हुआ। और इनफैक्ट इस समय जहां हम हैं वीरू, एक फीलिंग ये आ रही है कि ये करेक्शन खत्म हुई है। मतलब आज की जो सिग्निफिकेंस है, आज देखिए हुआ क्या, गैप अप कोलैप्स हुए हम, जो हमारी बात होती है कि गैप अप मत लीजिए, लेकिन लोअर लेवल पर अगर स्टेबिलिटी है वहाँ पर लीजिए, और वहाँ से उसके बाद शानदार रिकवरी। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि करेक्शन खत्म होने के संकेत हैं, क्योंकि पिछले 2 घंटे से, एक्चुअली 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, जब मैं और आप लंच करने के लिए बाहर गए थे, उसके बाद से जब से हम वापस आए हैं तब से एक शानदार तेज़ी है, और हम 20 DEMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी ने भी डे हाई को आज निकाला है, एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी शानदार रहा है। तो यहाँ से बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग के इंडिकेशंस हैं। और सपोज करिए आप यहाँ बंद हो गए, तो सोचिए शॉर्ट क्या करेगा। हमारी बात हुई थी सुबह कि सारे शॉर्ट्स जो हैं वो 24, जो मैक्सिमम इवन स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट है वो 24,450 से शॉर्ट कर रहा है इस मार्केट को। तो अब यहाँ पर क्या होगा अगर आप इसके ऊपर बंद होंगे, तो एनीवंस गेस, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ से हम बड़ी रैली के लिए तैयार हैं। और वो जो एक मेरा बेस केस रहा है कि अगस्त के अगस्त में हम ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, आई थिंक उसको बहुत आज पुश मिलेगा और अगले हफ्ते बड़ा हफ्ता हो सकता है। 24,450 वही लेवल था जहां से पहली बार जब हम ऊपर से नीचे आए थे 20 DEMA टूटा था, है ना, उसको रीगेन करना। अब देखिए ये जो आज ब्लेंडेड वर्जन है जिसमें निफ्टी भी एंक भी है और निफ्टी आईडी भी है ना, ये शॉर्ट कवरिंग आपको फर्स्ट इंस्टेंस में कहाँ तक दिया सकती है अगर हम 24,500 के ऊपर ट्रेवल करने लगे तो निफ्टी पर? बहुत अच्छा सवाल है बीरू। मेरे ख्याल से देखिए मैं जो उम्मीद लेकर चल रहा हूँ, पहली बात तो ये कि 24,500 से 24,550 आज ही खैर आ गए हम उस लेवल पर, तो आ ही जाएंगे आज, उसको शायद क्रॉस कर लेंगे अगर, तो मेरा ये मानना है कि फिर 24,500 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो 24,800 बहुत जल्दी आएगा। 24,800 हो सकता है अगले हफ्ते, जब मेरा बेस केस क्या है, अगले हफ्ते 24,800 और एक्सपायरी वाले वीक में ऑल टाइम हाई, जो मैं अगस्त के अगस्त में ऑल टाइम हाई का व्यू लेकर चल रहा हूँ उसमें 24,800 अगले हफ्ते और 25,100 के करीब का जो ऑल टाइम हाई है वो शायद एक्सपायरी वाले वीक में। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 24,204 आज का लो, 24,204 इस स्टॉप के साथ अब मार्केट में बने रहें। आज मार्केट ने एक चीज़ टेस्ट कर दी कि हम इन ग्लोबल क्यूज पर अब फाइनली पॉजिटिवली रिएक्ट करने को तैयार। अब तक हम ग्लोबल क्यूज पर पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे थे, हमारे खुद के फैक्टर्स थे इसकी वजह से। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए मार्केट में स्क्रीन के हिसाब से आपको अपनी रणनीति बदलनी होती है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के ज़्यादा इंडिकेशन है यहाँ। आईटी स्ट्रांग है, आईटी पर हमारा व्यू ये रहा है कि आप पोजिशनली लॉन्ग रहिए, लेकिन बैंक निफ्टी एक बार के लिए आपको 51,000 का जो 20 DEMA है और इवन उसमें 200 पॉइंट ऐड कर दीजिए, 51,200 वहाँ तक जा सकते हैं। और अगर 51,200 क्रॉस होने लगे, जो कि अगले हफ्ते चांसेस हैं, तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में भी होगी। शॉर्ट पॉइंट ये है कि अब इस मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ने टूल पकड़ना शुरू किया है, और एक बार अगर फ्रेश बाइंग आ जाएगी तो ये मार्केट फिर ऑल टाइम हाई लगाएगा। हाँ, एक चीज़ क्लियर है, अगर अगले हफ्ते आपको इन लेवल्स को सस्टेन करना पड़ेगा, बेसिकली 24,450 को सस्टेन करना पड़ेगा, वो सस्टेन कर लिया तो फिर ऑल टाइम हाई बहुत जल्द आएगा। चलिए, तो आपको ये इंडिसेस पे और निफ्टी निफ्टी बैंक पे और कोई लेवल तो मेंशन करना है? मेरे ख्याल से मोर लेस क्लियर है। बाकी एक चीज़ मैं कहूँ कि एक बार आईटी का भी चार्ट देख लीजिए इंट्राडे में, उसमें आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। निफ्टी निफ्टी बैंक में फिर भी आपको थोड़े बहुत ये सब एजेस वगैरह देखेंगे, एक बार निफ्टी आईटी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और निफ्टी आईटी ये देखिए। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा फिर भी ऐसा इंडेक्स, परसों इतनी बड़ी रैली आई वहां से लॉन्ग और उसके बाद यहाँ फॉलो थ्रू। निफ्टी निफ्टी बैंक में एक बार फिर भी आपके स्टॉप लॉस लगे होंगे लॉन्ग ट्रेड में, यहाँ नहीं लगा होगा। दिक्कत क्या, ये इंडेक्स ट्रेड नहीं करता है, तो इसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा। जी हाँ, तो जहाँ तक स्टॉक फ्यूचर्स का सवाल है, वहाँ पर अभी भी जो है वो झुकाव आईटी स्टॉक्स पर रहेगा। निफ्टी निफ्टी बैंक पर लेवल्स, स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक के अप्रोच, 3:30 पे 3:15 पे फिर बात करेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स मैं रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। देखिए आज एक्सचेंजेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, मैं अभी रीड कर रहा था बीते 2 घंटे से, लुक एट MCX, सिंस MCX इज अबाउट डेरिवेटिव्स मैं इस पर टिप्पणी करूँगा सिर्फ। MCX आज अपने करियर के हाई पे एट 4637, सुबह भी मैंने मार्क किया था, डे हाई पर ऑल टाइम हाई पे स्ट्रॉन्ग मूव है। और याद रखिएगा ये एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो एक ब्रेकआउट है उसका बहुत अर्ली पार्ट है, 9% OI बिल्डअप हुआ है द मिड ऑफ सीरीज, स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद मैं जितने भी स्टॉक्स का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे याद रखिएगा, नॉट अ बाय कॉल, बस स्टैट्स हैं। डिक्सन अमूमन लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में कुछ क्रिटिकल एवरेजेस के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इस बार इसने वो बाइंग अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली 50 DEMA पर प्रोवाइड की थी आपकी स्क्रीन पे, इट्स 12:30 3:41 फ्यूचर्स में।
50 डेमा पे सपोर्ट लिया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन 12300 को काटने की तैयारी करता हुआ इन स्पॉट फ्यूचर्स पे करीब 12341 है, बट निगाहें यहाँ रहेंगी। और एक और चीज़, दैट्स डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये इस वक्त 3.25% ऊपर, बट इट्स इन मल्टी ईयर ब्रेकआउट सस्टेन करता हुआ, और ये जो फर्स्ट टाइम पोस्ट कोविड जो कोलैप्स हुआ था जनवरी 2022 में फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो हर्षता, मैंने 3 स्टॉक्स पिक किए, MCX, डिक्सन और डॉक्टर लाल पैथ लैब। हर्षता, ओवर टू यू। वीरू, लेकिन लिस्ट लंबी है, जहाँ पर ट्रेंड तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया उसमें से कुछ हाईलाइट करेंगे और कुछ की चर्चा ऑफ कोर्स का अगले 1.5 घंटे में करेंगे जरूर। तो लेकर आते हैं वो ट्रेंडिंग काउंटर्स, कंसिडरिंग इस समय एक फ्रेश तेजी मार्केट में देखने को मिली है, और जैसे हमने मेंशन भी किया था हेडलाइन में कि जो IT काउंटर्स हैं वही तरह से लीड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट चार्ज ले रहे हैं इस तेजी के। टेक महिंद्रा 3% ऊपर, LTIMindtree में लगभग 3% की तेजी, और विप्रो जैसा काउंटर भी करीब 3.5% ऊपर है। M&M की वो SUV जो नई लॉन्च हुई है थार रॉक्स, स्टॉक को रॉक ही करवा रही है, सुबह से यहाँ पर मजबूत शुरुआत और अब 3% के गेंस। PEL जो पिछले सत्र में काफ़ी टूटा था उसमें खरीदारी, आज MCX खूब चला है। एम्फोसिस, LTTS ये दूसरे ट्रेड्स हैं जिन पर अगर आपको याद होगा बुधवार क्लोजिंग पर भी हम बातचीत कर रहे थे। बिकवाली कहाँ है, SunTV, इपका, मनप्पुरम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर अभी भी वो सेल साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं, लोग शॉर्ट की तरफ बैठे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ड्रैगर साबित हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर तेजी वाला दिन और एक बेहतरीन क्लोज की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स के लिए आज अमरीश बलीगा हमारा साथ दे रहे हैं, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ, कविता जैन और रुचित जैन हैं। फिर 2:20 पर एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजीज़ के नंबर्स पर हम बात करेंगे कंपनी के ग्रुप CFO RS राजा गोपाल शास्त्री से। 2:25 पर M&M के ED and CEO राजेश जेजुरीकर से हमारी जो बातचीत हुई है नई थार के लॉन्च पर और आगे के क्या प्लान्स है उसका एक अंश आपके सामने करेंगे पेश। 2:30 पर न्यू एज कंपनियां, रफ्तार, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने नाम जरूर की है लेकिन बाकी भी स्टॉक्स पीछे नहीं हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है उस पूरे पैक में सुमित को जोड़ेंगे। 2:45 पर आलोक आपको बताएंगे कि क्या लैंड डील पर GST देनी होगी या नहीं। 2:50 पर हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल AMC के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल जुड़ने वाले हैं। फिर 3 बजे BTST ST BT ट्रेड्स शुरू करेंगे, क्लोजिंग की तरफ बढ़ने से पहले क्लोजिंग की रणनीति भी आपके लिए करेंगे पेश। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे पैनल के साथ ट्रेड्स लेने की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। आपकी सुबह की एक लाइन मुझे ध्यान है आपकी कमेंट्री में, गैप अप तो खुलेगा और टिक गया तो अच्छा है, तो वाकई में टिक गया। मार्केट में तेजी है, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो ऑटो क्षेत्र से बजाज ऑटो, ट्रेड करा है 9794, स्टॉप होगा 30 रुपए, बस ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 9900 के नजर आ रहा है, तो यस बजाज ऑटो पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। कॉल हो गई बजाज ऑटो, ये आज एक ऑटो दिवस है याद रखिएगा, एट 9810 ये बाय कॉल है, प्रेली कॉल। मानस आपका ट्रेड? अग्रिन जी देखिए ICICI बैंक पे मेरा ध्यान है, स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, रिकवरी में वापस 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, आई थिंक बॉटम बना है और अब यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो ICICI बैंक में 1184 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1225 के टारगेट सेट करेंगे ICICI बैंक में, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 1200 वाला कॉल ऑप्शन जो 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर 8 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 25 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ICICI बैंक का एक दिग्गज काउंटर जो पार्टिसिपेट कर रहा है, या तो आप 1200 वाला कॉल लेकर चले या फिर 1225 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाए। अच्छा, इस बीच 24500 के पार निकलता हुआ निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है डे हाई पर, इस समय ट्रेड करता हुआ करीब करीब 1.5% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं, एक अच्छा तेजी का मूव आज दिन भर कायम है। और पिछले 10 मिनटों में जो स्टॉक्स भागे हैं उसमें अदानी ग्रुप में हम देख रहे हैं 0.5% के और गेंस बढ़ते हुए, ग्रासिम, SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो तेजी में और बड़ा हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अब मोमेंटम आता हुआ इसीलिए हम 24500 पर है।
तो ऑफकोर्स दिन की ऊंचाइयों पर इस समय ट्रेड देखने को मिला है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस तेजी के बीच? गुड आफ्टरनून हर्षदा जैन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे, थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड में यहाँ पे ले रहा हूँ, जो चला नहीं है वहाँ पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। तो एलआईसी मुझे लगता है एट लेवल ऑफ 651 इससे बाय, स्टॉप लॉस होगा 641 का, और जो स्टॉप लॉस जो टारगेट लगता है मुझे एज ए स्विंग ट्रेडर, पहला टारगेट होगा 672 का। अगर वो निकल जाए तो फिर लगता है कि पोजिशनली 710 तक जाएगा, तो एलआईसी लगता है कि करेक्शन ओवर हो चुका है। LIC में करेक्शन ओवर हो चुका है लगता है। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। शानदार तेजी मार्केट में, 24,500 के पार हम, बैंक निफ्टी पर 50,600, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कंफर्टेबली अपना 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पिछले 4 दिनों के हाई को भी इसने आज कंफर्टेबली क्रॉस किया है। तो टाटा मोटर्स बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1070 एंड टारगेट्स ऑफ 1125। ओके, टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 1088 पे स्ट्रॉन्ग मूवली के ट्रेड करता हुआ। आप चलते हैं रुचित के पास। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं लीडरशिप के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि आज लीडरशिप आईटी स्पेस ने ली है, तो वहीं पे काफी सारे स्टॉक्स है हैवीवेट्स में जहां पे अच्छे स्ट्रक्चर्स है, जिसमें से एचसीएल टेक मेरी पिक रहेगी। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर रिज्यूम किया है, वो भी प्राइस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, प्रीवियस स्विंग हाई स्टॉक ने सरपास किया है। तो एचसीएल टेक में यहाँ से 1630 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1720 के टारगेट्स के लिए। ओके, मच मीन वाइल वीरू, अब 24,500 क्रॉस हो गया मार्केट में, और एक चीज जो मैं देख रहा था आज, अभी भी उतनी शॉर्ट कवरिंग कॉल राइटर्स की तरफ से स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे स्पेशली जो मंथ एंड वाले कॉल राइटर्स हैं, मैं एक बार थोड़ा सा देख रहा था ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, जो मंथ एंड वाले कॉल राइटर्स हैं 22 अगस्त वाली, हाँ 22 और 29 अगस्त वाली, अच्छा हाँ ठीक, हाँ 29 अगस्त में 24,500 की कॉल में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जो मंथ एंड की कॉल है उनमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, करीब करीब 40 लाख। आज अब तक एक भी शेयर वहाँ कवर नहीं हुआ है, लेकिन प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर अगले आधे घंटे में आप 24,500 की तरफ अगर ये ले जाएं, और हो सकता है चले भी जाएं, और जो मार्केट का मूड माहौल मोमेंटम है ना, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आप आज की आज 24,600 भी स्क्रीन पर देख लें, क्योंकि अब चलना शुरू है ना। अब स्प्रिंग की तरह आपने इसको बेसिकली मार्केट को दबा के रखा था, अब ये मार्केट में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये उसको हो सकता है कि एक बार के लिए 24,600 आपको आज ही स्क्रीन पर दिखा दे, ये पॉसिबल है। और अगले हफ्ते आप छुट्टी पर हैं, हाँ तो आप मिस करेंगे बड़ा मूव अगले हफ्ते। मुझे लग रहा है अगले हफ्ते 24,800 फिर 25,000 पॉसिबल है। कोई बात नहीं, आप इसको एंजॉय कराएंगे, मेरे को एक दो काम है इसलिए छुट्टी ली थी, वो निपटाने हैं। ठीक है, काम भी जरूरी है, लेकिन मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, मोमेंटम आ रहा है इसमें, करीब करीब 5577 इस वक्त। अच्छा, एक बार निफ्टी CPSE इंडेक्स लेके आइएगा, और पूरा का पूरा PSU बैंक, ये PSU बास्केट देखते हैं। लेट्स ब्रिंग कोल इंडिया। कोल इंडिया आपकी स्क्रीन पे लगभग आप समझ लीजिएगा कि डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। अभी अभी इसमें एक ब्रेकआउट आया और ये 20 डेमा को रिगेन कर रहा है। मानस, ये एक पुलबैक ट्रेड होगा जिसकी मैं आई थिंक यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था, इवन आई थिंक 7 अगस्त तक का इसका मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद फिजल आउट हो गया। अब 20 डेमा को जब क्रॉस कर रहा है, और मैं पूरे PSU बास्केट की बात कर रहा हूँ, उसमें कोल इंडिया की प्लेसमेंट आपको कैसी लग रही है इस वक्त? तो देखिए, कोल इंडिया ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, कुछ सेकंडों पहले 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो वापस जो हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस रेंज है 530 से 540, उस रेंज को फिर से चैलेंज करने की कोशिश करेगा स्टॉक। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड बनता है केवल बाउंस बैक के लिए, 504 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, ऊपर की तरफ 530 से 535 के टारगेट सेट करिए, वहां पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट कई PSU स्टॉक्स है जिनमें एक्शन बनता दिखाई दिया है, उस पर भी बात करेंगे। बहरहाल अमरीश को जोड़ लेते हैं। अमरीश आफ्टरनून, बताइए इस समय का ट्रेड क्या रहेगा, क्या पसंद है आपको? गुड आफ्टरनून हर्षदा, मेरा इस वक्त का ट्रेड है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, KIMS जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ ग्रुप्स इन AP, तेलंगाना और महाराष्ट्र, करीब 12 हॉस्पिटल है उनके।
KIMS provide करती है multidisciplinary integrated healthcare services with primary, secondary और tertiary care. करीब 4000 plus का bed capacity है, 1600 doctors हैं उनके, और इनका जो growth हुआ है अभी तक, it's been through multiple acquisitions, और अभी काफी बड़ा capex कर रहे हैं, 2000 plus का capex कर रहे हैं, 5 greenfield hospitals इन लोग setup कर रहे हैं, 4 expansions कर रहे हैं of the current facilities. करीब 2400 बेड्स और भी ऐड कर रहे हैं, सो नियरली 50-60% कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, और इस कंपनी का आरओसी भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है, 30% का रहा है, नेट डेट टू इक्विटी इज लो एट 0.75, और जो Q1 के अर्निंग्स थे वो भी काफ़ी रोबस्ट थे, अबाउट 14% रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टरली, एबिटा भी 14% इंक्रीज किया, एबिटा मार्जिन है अबाउट 26%. तो यहाँ जो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस है करीब 58 का है फॉर FY26, और मेरा टारगेट प्राइस बनता है 2725, which is still a discount to the peers in the sector. Okay, Krishna Medical, आपकी कॉल है 2329 पे, और आइए पूरा स्पेस अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और इनफैक्ट इवन डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी अच्छा मूव दे रहे हैं. अच्छा, आप लेके आइएगा आज के फार्मा गेनर्स में से ग्लेनमार्क. अनुज, सुबह बात भी हुई थी कि शायद प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव है ना, उसके बाद कूलिंग ऑफ देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कूलिंग ऑफ हुई इसमें, और ये ऑलमोस्ट 20 डेमा से भी आपको बताऊं मैं करीब करीब सुबह सुबह 30 रुपये नीचे गया, और कूलिंग ऑफ के बाद देखिए क्या रिकवरी आई. बिल्कुल, और वीरू ये इसलिए ज़रूरी था बात करना इसके बारे में, सुबह एक जो व्यू था ये था कि नंबर्स ठीक ठाक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो आप सुबह इसको चेज़ करें, और सुबह एक बार के लिए कोलैप्स हुआ, लेकिन क्योंकि ओवरऑल कमेंट्री अच्छी थी मैनेजमेंट की, और फार्मा स्पेस बहुत अच्छा कर रही है, लोअर लेवल से रिकवरी आनी थी वो हमने पॉइंट आउट की थी, उसके बाद इसमें जो मूव आया आज का, जो उसके बाद मूव आया वो बहुत शानदार है मेरे ख्याल से, जो आपको एक चीज़ बता रहा है, फार्मा में अभी भी आप अगर अच्छे शेयर चुनेंगे पैसा बनेगा अभी भी फार्मा में. अब देखिए क्या होता है, 9 times प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है ना, कई कंपनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस झेली थी और वो वापस कम बैक कर रहे हैं, लूपिन उनमें से एक थी, ग्लेनमार्क में उससे भी बड़ी बेयर मार्केट आई थी जब बेयर मार्केट आई थी, तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो आपको चुनने होंगे. अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैं सिर्फ एग्जांपल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह सुबह कल खरीद लें. अब जैसे डिवीज लैब्स है, एक और एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से काफ़ी गिर चुके हैं, और अगर हल्के से भी वहाँ पर अर्निंग्स के रिवाइवल आपको दिखाई दिए तो वहाँ पे मूव्स अच्छे आ सकते हैं. तो फार्मा एक ऐसी पॉकेट हो सकती है जहाँ पर आपको अभी भी अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं और ठीक प्राइस पे मिल रहे हैं. जी हाँ, तो रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो जाए तो शायद किसी भी स्टॉक को चेज़ करना अच्छा और तर्कसंगत होता है. मीनवाइल एक बार डिवीज लैब को देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे, करीब करीब 4636 आज इसमें भी रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हुई, और ये रिट्रेसमेंट आया है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक का. यहाँ पर दरअसल मैंने 50 डे का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 23 अप्रैल 2024 से डॉक्टर एडीज ने एक अच्छा राइज दिया था, तब से लेके अब तक 3 डिप्स आए हैं, वो एग्जैक्टली आए हैं 50 डेमा तक, और 50 डेमा पे आके वो एग्जैक्टली अगर आप देखें वो जो सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्ब हो गया. तो ये रही बात फार्मा की, ग्लेनमार्क की, डिवीज लैब की. मीनवाइल स्क्रीन पे ट्रेड रखिएगा, दैट्स आई थिंक IEX 195 पे चल बहुत चुका है, क्या पिक करूँ मैं इसको, कुछ देर के लिए अवॉइड करता हूँ, दूसरा स्टॉक मार्क करता हूँ, फिर लेके आइए आप BEL 301.45 पे. ये अच्छा जोन है क्या, बात करने लायक? यस, ये बात करने लायक जोन यकीनन है. रुचित जरा एक बार इसको देखिएगा, ये भी बहुत आई थिंक बैकफुट पे रहा है काफ़ी समय से, इवन आई थिंक फ्रॉम मिड ऑफ जुलाई, आज पहली बार 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को टच करने की कोशिश कर रहा है BEL इस वक्त. आपका व्यू ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड तो स्टॉक का काफी पॉजिटिव है अगर हम थोड़े लॉन्गर टर्म चार्ट देखें. ये शॉर्ट टर्म के करेक्शन जरूर है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो कोई बड़े वॉल्यूम्स के साथ में ये करेक्शन नहीं आया है. तो जनरली जब ऐसे करेक्शंस बिना या लोअर वॉल्यूम से आते हैं विद इन अ लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड तो वो अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहते हैं. अब ये पूरे करेक्शन में स्टॉक ने अपने 89 डेज के ईएमए भी इंटैक्ट रखा है, सो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम वापस से पिकअप हो सकता है. एक बार ये स्टॉक 305 का लेवल सरपास हो जाए, क्योंकि लास्ट वीक का हाई 305 है, एक बार वो सरपास होता है फिर हम ये स्टॉक में 324-325 तक के लेवल्स भी नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये फिलहाल आपके लिए BEL पर एक व्यू. इनफैक्ट वायदे बाजार का एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, अशोक लेलैंड का स्टॉक हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है आज, 254 के आसपास ट्रेड करता हुआ. दूसरी तरफ इसका OI एडिशन नियरली 7% बढ़ चुका है, तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेडिंग पोजिशन लोगों ने ली है.
अमित, कंसिडरिंग आप वैसे भी टाटा मोटर्स ट्रैक कर चुके हैं, क्या आपकी नजरें अशोक लेलैंड पर गई थी? कंसिडरिंग ये स्टॉक आई थिंक 31 जुलाई को ही अपना नए 52 वीक हाई पे पहुंचा था, उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या उसे फिर से अटेम्प्ट करके उसके बियॉन्ड जा सकता है, 260 पर टिकने की कोई गुंजाइश बन रही है इसमें? जी मैम, अगर अशोक लेलैंड का स्ट्रक्चर देखें तो इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट्स इन द सेक्टर। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। जब मार्केट का थोड़ा सा पुलबैक आया तो स्टॉक ने अपना जो ब्रेकआउट जोन था लगभग 240-242 के आसपास, उसको रीटेस्ट करके वापस एक पुलबैक के बाद रिजम्पशन अपना ट्रेंड का रिज्यूम किया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है पोजिशनली भी नॉट ओनली 260, मुझे लगता है 265-270 तक भी जा सकता है, जिस हिसाब से वॉल्यूम पैटर्न्स और इसके पैटर्न्स अनफोल्ड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे लगभग 249 रुपीस का। ओके, 249 का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर वो तेजी की पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। अमरीश, एक चीज तो है कि Q1 में जो भी एक्सपेक्टेशन रहे हैं इन कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स से, उससे बेहतर इन कंपनियों ने प्रदर्शन दिखाया है। अब फिर वो टॉसअप होता है कि आप टाटा मोटर्स की सीवी की तरफ जाएं या फिर अशोक लेलैंड जो एक प्योर प्ले सीवी मैन्युफैक्चरर है जिसमें एक एडिशनल लेयर है इलेक्ट्रिक बसेस का और इलेक्ट्रिक सीवीज का, क्या वहां पर एक अपॉर्चुनिटी आपको बड़ी मिलेगी? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट दोनों में अपॉर्चुनिटी है, पर तीसरा भी एक कंपनी है जहाँ पे भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वो है फोर्स मोटर्स, क्योंकि ये है सीवीज और यहाँ पे इनके जो एम्बुलेंसेज हैं आई थिंक दैट्स द लाइक बिगेस्ट सेलिंग, और इसके अलावा इन लोग बनाते हैं इंजन्स फॉर BMW एंड मर्सिडीज, और अभी काफ़ी बड़ा केपेक्स भी कर रहे हैं, करीब 2000 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, उसमें ईवी फैसिलिटीज भी होंगे, तो इट विल बी फ्यूचर रेडी कंपनी। और यदि अर्निंग्स देखते हैं देन इट्स बीन एक्सट्रीमली गुड, अबाउट 27% ग्रोथ दिखाया है रेवेन्यू पे, 38% ग्रोथ दिखाया है एबिटा पे, और एक्सपेक्टेड है कि ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स 25% का ग्रोथ दिखाएगा। तो आई मीन आई वुड आल्सो हैव फोर्स मोटर्स इन माय पोर्टफोलियो इन एडिशन टू टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड, और यहाँ पे डिसेंट अपसाइड है यहाँ से। एक अच्छी अपसाइड, तो सिर्फ टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, यूजुअल सस्पेक्ट्स पर नजरें मत डालिए, आप फोर्स मोटर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। है तो वैसे ये स्टॉक 8,299 का, लेकिन ध्यान रखिएगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी उभर कर आ रही है। तो एक पूरी बकेट है जहाँ पर हमने देखा है कुछ इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, एक स्टॉक जिसका जिक्र सुबह में हुआ है वो है MCX, उसको रिविजिट करेंगे, एक अच्छी चाल इसमें बनती हुई दिखाई दी है, एब्सोल्युटली विपरीत जो वेंसडे को एक्सपेक्टेशन थी पूरी तरह से घूमा है ये काउंटर। अमित बताइए, ये आज का जो रिवर्सल देखने को मिला है और जो 6% का एकाएक मूव देखा गया, इस पर कितना भरोसा किया जाए कंसीडरिंग ये एक अच्छी ट्रैजेक्टरी में है, वॉल्यूम पिकअप क्लियरली MCX साइड पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है रिसेंट पास्ट में? जी मैम, अगर आज का हम स्पेसिफिकली प्राइस एक्शन मूवमेंट देखें तो दैट इज बीन सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, और पिछले दो दिनों का जो पुलबैक आया था दैट वाज ऑन लो वॉल्यूम्स, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, ब्रेकआउट यहाँ पे लगभग 4450-4475 के आसपास आया था, स्टॉक ऑलरेडी 6% अप है। फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो इसे जरूर होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4570, और आशा करते हैं यहाँ पे 4800-4850 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ओके, MCX पर आपका टेक, आज एक्सचेंजेस में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है और आपकी स्क्रीन पे MCX और इवन आई थिंक आज CDSL, जरा आप स्क्रीन पे लिख आइएगा, आई थिंक इसी स्पेस पे कर रहे हैं हम, तो आज इसने अपना करियर का हाई लगाया। मीनवाइल चलिए अब अर्निंग्स पर फोकस करते हैं और एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजीज, एक बार स्टॉक लिख आइएगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा आज शांत है, काफ़ी तक शांत है, बट नर्वस अच्छे थे इनके, स्पेशली अगर आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन के फ्रंट पे देखें। एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजी जो इस बार इनका मुनाफा था वो करीब 25% बढ़ा और करीब करीब आय में इनकी 15% का उछाल था, मार्जिन्स काफ़ी हद तक फ्लैट रहे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO मिस्टर RS राजा गोपाल शास्त्री मौजूद हैं। सर, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बार टॉप लाइन बॉटम लाइन में एक सब्सटेंशियल जंप है सर, थोड़ा सा शुरुआत करेंगे मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री जो कि काफ़ी हद तक फ्लैट रही, इस पर आपका टेक और मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री मोर और लेस आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या रहेगी, उसमें आप क्या डाइवर्जेंस देख रहे हैं? नहीं, अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में जैसे कि रेवेन्यू ग्रो हुआ 16.3% स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस में करीब 17.2% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, लेकिन
अपना जो मार्जिन है एक्सपेंशन एबिटा बेसिस में वो स्टैंड अलोन बेसिस में करीब 19.3% और कंसोलिडेटेड इंक्लूडिंग यूरोपियन ऑपरेशन 20.7% ग्रो हुआ है विच इंडिकेट्स देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन। और आगे क्या हम लोग जैसे वैसे गाइडेंस देते नहीं है लेकिन काफी एफर्ट्स हो रहे हैं कंपनी के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए और पोर्टफोलियो का बेहतर बनाने का। सो ये सब का हम लोग काफी पॉजिटिव है कभी क्योंकि द टीम इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड दे आर लॉट ऑफ एफर्ट्स गोइंग टुवर्ड्स मेकिंग इट बेटर। ओके सर, अब मैं बात करूंगा एग्जैक्टली ओवरऑल जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो कैसा है क्योंकि एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ योर इनकम कम्स फ्रॉम फोर व्हीलर बिजनेस। अभी जो हम देख रहे हैं चाहे वो फोर व्हीलर में हो चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हो चाहे वो टू व्हीलर सेगमेंट में हो, लॉन्चेस स्ट्रॉन्ग हैं बट कंपनियां डिस्काउंट बहुत प्रोवाइड कर रही हैं। क्या एग्जैक्टली ये अगले तीन महीने इवन द फेस्टिवल सीजन थोड़ा सा आपको डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है क्या? इसको वी हैव टू दो तीन सेगमेंट में देखना है। अगर हम देखें इसको कि दो टू व्हीलर्स जहां पे एंड्योरेंस इंडिया का ज्यादातर का प्रेजेंस है, टू व्हीलर का डिमांड काफी स्ट्रांग रह चुका है। इवन क्यूओक्यू आप देखेंगे तो 9% इंप्रूवमेंट, ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट क्लोज टू 16% 19% इंप्रूवमेंट है। सो जो टू व्हीलर डिमांड है और जो रीजन दिया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिमांड इज प्रीटी रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। फोर व्हीलर में काफी हद तक एक फ्लैटनेस है, एक लैक ऑफ एंथुसियाज्म है। हो सकता है कि द कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक और आईसीई उसकी वजह से भी ये थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन आगे जाके तो जैसे इफ यू लुक एट इंडिया अलोन उसका जो इकोनॉमिक आउटलुक है काफी स्ट्रॉन्ग है। सो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट पे, इवन न्यू लॉन्चेस जो आ रहे हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो मार्केट हैज टू करेक्ट इटसेल्फ। जो फेस्टिव सीजन में हमारा एक्सपेक्टेशन भी है कि काफी अच्छा डिमांड रहेगा। मैं आपसे एक चीज सर समझना चाहूंगी, कंसीडरिंग आपने ईवी मेंशन किया, आपकी जो इस समय ऑर्डर बुक है उसमें कितना काम आप ईवी प्लेयर्स के लिए कर रहे हैं, उसमें कितना स्केल देखने को मिल सकता है? ईवी का अपना हमारा रीसेंट ऑर्डर एक्विजिशन जैसे कि एंड्योरेंस इंडिया और एंड्योरेंस यूरोप भी हमारा जो प्रोडक्ट्स है काफी हद तक हम लोग उसको ईवी अग्नोस्टिक रखते हैं। जो प्रेजेंस है, जो सस्पेंशन है या ब्रेकिंग है, ये ईवी और आईसीई दोनों के लिए इट विल बी एप्लीकेबल। सो हमारा ऑर्डर बुक में जो ईवी लॉन्चेस हो रहे हैं उसमें काफी हद तक हमारा ऑर्डर्स भी मिल रहा है। अभी जो स्कूटर लॉन्चेस हो रहे हैं उसमें भी हमारा ऑर्डर्स मिल रही है। एंड वी हैव अ सब्सिडियरी कॉल्ड मैक्सवेल इन विच वी हैव अक्वायर्ड एडिशनल 5.5% स्टेक, उसका भी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से उसमें भी अबाउट 1 बिलियन इंडियन रुपीज का ऑर्डर इनटेक भी हुआ उसमें। तो देर इज ए गुड ट्रैक्शन बट वी हैव टू सी ए ईवी कहाँ जाएगा क्योंकि ओईएम्स का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि FAME III का अभी भी फाइनलाइज होना है। वी हैव टू सी इज इट प्योरली बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सब्सिडीज और इज इट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट पर से। सो it is something which we have to wait and watch. It could be an interim stage, but it is yet to mature in our view. मेरा मकसद ये पूछने का इसीलिए था क्योंकि कल ऑफ कोर्स हमने वो संकल्प टू 2024 जो ओला का बड़ा अनाउंसमेंट हर साल होता है 15th अगस्त को, उसमें उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि देखिए 3 साल पहले लोगों को काफी इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा था ईवी स्कूटर का कॉन्सेप्ट और अब लोगों को आदत हो गई है, उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटरबाइक्स भी लॉन्च की। तो क्या वहां पर भी मोटरबाइक्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए पैदा हो रही है? वुड यू बी परहैप्स सर्विंग दैट इंडस्ट्री एज वेल? वी विल बी सर्विंग दोस इंडस्ट्रीज। वी हैव प्रोडक्ट्स, अपना पास जो प्रोडक्ट है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा प्रोडक्ट ईवी एग्नोस्टिक है। जो हम लोग कास्टिंग्स बनाते हैं या ब्रेकिंग और सस्पेंशन बनाते हैं ये ईवी के लिए भी एप्लीकेबल है। So we will be servicing all kinds of industries which we already are doing to a large extent today. And based on what Ola and Ather and other companies and now even the conventional automakers are getting into the EV business, this would expand the market.
क्लियरली ये सब्स्टिट्यूट रहेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बट जरूर एक्सपैंड मार्केट एक्सपैंड करेगा, एक नया वेरिएंट आएगा, एक नया वे ऑफ मोबिलिटी एक शुरू होगी एंड दैट विल बी ओनली अक्रेटिव टू द ओवरऑल वॉल्यूम्स। अच्छा सर, पॉसिबली आखिरी प्रश्न, जरा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। यूरोप जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें 25% कंट्रीब्यूट करता है आपके बिजनेस रेवेन्यू में, वहाँ पे स्थिति कैसी है और थोड़े से क्या जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स उसके चलते जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब रहेगा क्या अगले कुछ महीने, और क्या ऐसे आई थिंक एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं आप लोगों को? एग्जाम्पल जरूर मिल रहे हैं, देर आर सिग्नल्स। सबसे बड़ा सिग्नल ये मिल रही है कि वो सब OEMs, क्योंकि यूरोप हमारा कस्टमर सब फोर व्हीलर सेगमेंट में है, सब कस्टमर्स जो EVs लॉन्च किए हैं वो सब स्लो डाउन कर रहे हैं, वो दे आर गोइंग बैक टू और कंटिन्यूइंग टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन ऑफ ICEs। लेकिन हमारा एडवांटेज ये है, हमारा प्रेजेंस दोनों तरफ था कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ICE में थे और नया ऑर्डर हम लोग जो अक्वायर किए हैं EV में, तो वॉल्यूम्स अफेक्ट नहीं हुए, कि काफी गुड ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में अपना यूरोप बिजनेस का। आगे भी वो केयरफुल सिलेक्शन जो करते हैं बिजनेस का, तो एंड्योरेंस अफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मार्केट में जरूर कुछ तो फर्क पड़ रहा है, काफी चीजें हैं, जैसे एनर्जी कॉस्ट का जो प्रॉब्लम थी वो तो अभी पीछे है, आई मीन वी आर आउट ऑफ इट, काफी हद तक एनर्जी कॉस्ट इज स्टेबलाइजिंग। लेकिन डिमांड सिनारियो इज स्टिल वीक एंड थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि काफी हद तक यूरोपियन प्रोडक्शन चाइना को सपोर्ट करता है और वो जो टैरिफ वॉर जो जारी है उसके वजह से भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन एंड्योरेंस ज्यादा तक उसमें इंसुलेटेड रही। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक सभी यूरोपियन मार्केट्स और यूरोप को लेके ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट्स, मार्जिन्स, डिमांड, सब पे अपनी टिप्पणी की आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। थैंक यू, थैंक्स फॉर मिड कैप मार्केट देखे है? मिड कैप मार्केट देखे वीरो एक बार जरा, मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट ऊपर, 982 पॉइंट, हाँ, और करीब करीब एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा, 2.5:1 का एडवांस डिक्लाइन है। और मिड कैप इंडेक्स का हाई था, ब्रेथ अच्छी रख रहा है ना, ब्रेथ तो खैर वीरू एक्चुअली, और ये अगर आप देखें ना 6 अगस्त के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल, बिल्कुल। और ब्रेथ की तो जहां तक बात है ना वीरू, एक और रीज़न जो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रहा हूं मार्केट के ऊपर, वो ये रीज़न ये भी है कि ब्रेड ठीक ठाक रही है मार्केट की, सिर्फ एक 6 अगस्त का दिन छोड़ दीजिए, 6 अगस्त के दिन के बाद आप कोई भी दिन की मार्केट ब्रेड उठा लीजिए, मोर और लेस पॉजिटिव रही है, एक आध दिन ये नेगेटिव रही होगी, नेगेटिव भी जिसमें रही हो मैक्सिमम 1:2 के करीब की रही है। मीन वाइल एक बार ओला लेकर आइए आप जरा, ओला इलेक्ट्रिक, आज सुबह इसकी बात हो रही थी कि नंबर्स अच्छे थे, अब इशू क्या था कि कैश का स्टॉक हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, प्लस गैप अप होना था वो क्लियर था, लेकिन सर्किट लग गया इसमें। आपको याद होगा ये इश्यू जिस दिन लिस्ट हुआ था 80 पे कितने नेगेटिविटी थी, एक रुपए कंपनी एक दस से, और अभी देखिए अभी सब एक के ऊपर एक चढ़कर यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये मार्केट में इसी तरीके से होता है, लेकिन बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग। मीनवाइल निफ्टी 24492 इस समय। चलिए ओला की बात हुई है तो एक काम करते हैं, न्यू एज कंपनियों में शानदार तेजी है, इनमें क्या चल रहा है जानने के लिए सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए आज पूरा आज के अराधर पूरे महीने से ही ये सारे के सारे जो कंपनी है स्ट्रांग बज के साथ कामकाज कर रही हैं। आज ओला का दिन है, कुछ दिन पहले जोमैटो था, PB फिनटेक में ज़बरदस्त खरीदारी है, PTM लगातार तेज़ी में चली रहा है, तो ये पूरी न्यू एज जो कंपनियां हैं इनमें एक ज़बरदस्त रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ रही है। पहले आंकड़ों के साथ शुरुआत करता हूं, एक महीने में रिटर्न किस तरह से आते हुए दिखाई पड़े हैं तमाम कंपनियों के। एक महीने में पहले तो ओला ये लिस्टिंग से लेकर अब तक करीब करीब 75% के आसपास चल चुका है, खास 76 रुपये के आसपास का लिस्टिंग का इशू प्राइस था, इशू प्राइस से लेकर अब तक के दाम आपके सामने हैं। जोमैटो करीब 21% एक महीने में ये शेयर चल चुका है, पेटीएम 21% के आसपास चल चुका है, PB फिनटेक 15-16% के आसपास तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, डिलीवरी 10% का उछाल ये भी दिखा चुका है, और नायका जो कि ऑलरेडी 1000 के ऊपर के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है वो भी करीब करीब 7-8% की तेज़ी दिखा चुका है मल्टीपल ट्रिगर्स से।
पहले तो कुछ फंड बाइंग हो रही है लगातार, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फंड बाइंग चल रही है, जो डोमेस्टिक फंड हैं प्लस फॉरेन फंड्स हैं वो यहाँ पर खरीदारी लगातार कर ही रहे हैं। नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, स्पेशली जोमैटो ऐसी कंपनी के नंबर्स बेटर आए हैं, पीबी फिनटेक के नंबर अच्छे आए हैं, नायका लगातार 7 से 8 क्वार्टर से नंबर अच्छे दे रहा है, हालांकि उसके वैल्यूएशन महंगे हैं लेकिन फिर भी नंबर में इंप्रूवमेंट है। कई जगहों पर कारोबार विस्तार है, जैसे ओला के नंबर्स तो अच्छे हैं ही, प्लस एक्सपेंशन भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है, जोमैटो ने अपने नए कारोबार के अंदर एक्सपैंड करना शुरू किया है, वो इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर है। पेटीएम जैसी कंपनी में कुछ फंड बाइंग तो है ही, साथ ही साथ खबरें हैं कुछ इनके कारोबार को बेचने की भी खबरें लगातार बनी रहती हैं, कुछ हिस्से शायद ऑफलोड कर सकते हैं और नए तरीके से नए नए कारोबारों के अंदर एक्सपैंड कर सकते हैं। प्लस कुछ नए फंड्स भी लॉन्च हुए हैं, मिसाल के तौर पे एक रिसेंटली NFO लॉन्च हुआ था SBI की तरफ से, जहां पे उन्होंने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर अपना एक नया NFO लॉन्च किया, और वहां पर जब उनके फंड मैनेजर साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने भी ये बात मेंशन करी, SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड, उन्होंने ये बात मेंशन करी कि वो हर उस कंपनी में पैसा डालेंगे जहां पर डिसरप्शन है, और उसमें कई सारे नाम उन्होंने जो मेंशन किए उसमें यही न्यू एज कंपनियों के नाम शुमार होते हुए दिखाई पड़े, जिसमें प्रोटीन वगैरह ऐसी कंपनियां भी और शामिल कर सकते हैं आप, लेकिन इस तरह के नए नाम आ रहे हैं। प्लस अलग अलग फंड्स की तरफ से बाइंग भी हो रही है। अब आप कुछ फंड्स के बाइंग देखिए जो पिछले 2 महीने के दौरान ये तमाम जो न्यू एज कंपनीज हैं इनके अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर जोमैटो में सिटी ने, BNP पारिबा ने, गोल्डमैन ने और एक्सिस ने, ये 4 फंड्स थे जिनकी तरफ से यहाँ पर खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है बीते 2 महीने के दौरान। इसके अलावा डिलीवरी में आदित्य बिरला सन लाइफ, ब्लैकस्टोन जैसे फंड जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े हैं, उनकी तरफ से खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी यहाँ पर शामिल है डिलीवरी के अंदर खरीदारी करने में। नायका में ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से पिछले 2 महीने के अंदर खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है, और प्रोटीन में भी इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया जैसे फंड्स जो हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे डोमेस्टिक फंड, फॉरेन फंड्स यहाँ पर पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पिछले 3 महीने के अंदर भी तमाम फंड्स की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, प्लस नए NFOs लॉन्च हो रहे हैं और इनके नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये सब टेलविंड के तौर पर कामकाज कर रहे हैं, इसीलिए एक अच्छी तेजी पूरे स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि कई कंपनियों के वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगे और कई कंपनियों के घाटे अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल राइट, बिल्कुल सुमित, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर क्लियरली काफी बाइंग है। अमरीश, गुड आफ्टरनून। अमरीश, ओला पर क्या व्यू है? अमरीश, इनफैक्ट ओला पे मैं काफी पॉजिटिव था फॉर द IPO, क्योंकि मार्केट में लोग ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहे थे, बट आई वाज सेइंग सब्सक्राइब टू ओला, पर इस टाइप का आई मीन राइज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इट विल मूव अप इन द लॉन्गर टर्म, मे बी अ फ्लैट ओपनिंग, तो फ्लैट ओपनिंग हुआ पर इमीडिएटली जिस हिसाब से चल चुका है, आई थिंक देयर स्टिल आई मीन डिसेंट अपसाइड, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम है इसमें आई थिंक वी कैन सी लेवल्स ऑफ अबाउट आई मीन 140-150 क्वाइट इजीली। जब आपने इस पर सब्सक्राइब का कॉल दिया था अमरीश, आई एम श्योर आपने एनालाइज किया होगा कि ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ आएगी। आप क्या इसके ऑटोमोटिव बिजनेस पर बेट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है वो सेल डिवीजन जहाँ पर कल इन्होंने भारत सेल की बात की और एक रोड मैप रखा है कि गीगा फैक्ट्री में किस तरह का फेज्ड वाइज एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, क्या क्या ड्राइविंग फैक्टर रहेगा ओला इलेक्ट्रिक का? नहीं देखिए, आई मीन दे आर द लार्जेस्ट, आई मीन टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स में उनका जो मार्केट शेयर है दैट इज बाय फार द लार्जेस्ट, और जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है क्लियरली आई थिंक वील सी डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी बाय श्योरली बाय FY26। तब तक तो आई थिंक वील हैव टू बेयर विद द लॉसेस, और जो बैटरी प्लान का बात करें दैट विल बी मच लेटर, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा, बट आई थिंक दैट कुड बी द ड्राइविंग फैक्टर लेटर इफ यू आर लुकिंग एट FY28, FY29, पर उसके पहले इट विल बी द EVs व्हिच विल बी द ड्राइविंग फैक्टर। इज द ड्राइविंग फैक्टर यहां पर रहेंगे। अच्छा, इस बीच एक और ऑटो सेक्टर से ही जुड़ी हुई बात, हमने ओला इलेक्ट्रिक मेंशन किया, इस पर टेक्निकल चेक नहीं लेंगे क्योंकि बस चंद ही दिन हुए हैं लिस्टिंग के, कुछ और टाइम देते हैं। M&M पर आते हैं, और M&M एक वाइडली ट्रैक काउंटर है, हम सब जानते हैं इसने किस तरह की अपनी लॉन्चेस प्लान की, और थार रॉक्स जो इन्होंने कल इससे पर्दा उठाया, 5 दरवाजे वाली है थार रॉक्स, जिसका बेसब्री से आई नो वीरू इंतजार कर रहे थे। एंट्री लेवल और बेस पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती कीमत करीब 13 लाख रुपए तय की गई है, और नई थार रॉक्स के एंट्री लेवल वेरिएंट के भी कई फीचर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। अब इसी लॉन्च पर हमारे संवाददाता कुमार संजय ने बात की कंपनी के ED और CEO राजेश जेजुरीकर से, और सिर्फ थार रॉक्स ही नहीं आगे के लॉन्चेस पर भी बात हुई है। आप लोग SUV सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं,
लेकिन एक जो सेगमेंट है जो 8 लाख से 15 लाख का है उसमें थोड़ा सा आप लोग हैं, आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो और इसी सेगमेंट में कई सारी जो बाहरी कंपनियां और आई और काफ़ी अच्छा कर रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? तो इसमें दो चीज़ है, एक तो हम लोग ने 3XO जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था अप्रैल में, उसमें उसका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, और वो जो 7 to 12 lakh सेगमेंट हैं उसमें 2-3 प्रोडक्ट हमारे कम्पीट होते हैं, एक तो बोलेरो, बोलेरो न्यू है, और दूसरा जो मेन नया जो प्रोडक्ट ऑफरिंग आया है वो है 3XO, तो उस सेगमेंट में हम लोग शेयर ये दोनों प्रोडक्ट्स इम्प्रूव करेंगे। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 12.5 लाख के ऊपर के एक शोरूम प्राइस के सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम लोग के स्कॉर्पियो पोर्टफोलियो है जो एक्चुअली लार्जेस्ट सेलिंग है, मोर देन 12.5 लाख प्राइस पॉइंट पे, XUV 700 भी टॉप 5 में है। हम लोग चाहते हैं कि थार की जो पोर्टफोलियो है, ये थार ब्रांड बहुत ही पावरफुल ब्रांड है, बहुत ही इमोशनल एसोसिएशन है लोगों के इस ब्रांड से, और हम लोग चाहते हैं कि थार रॉक्स के साथ ये जो पोर्टफोलियो है थार का, ये इस सेगमेंट जो 12.5 लाख के प्राइस पॉइंट के ऊपर का सेगमेंट है उसमें नंबर वन बन जाए। आप लोग ईवी में भी आने वाले हैं, और एक इंडिया में दो तरह के चल रहे हैं सेगमेंट, एक है हाइब्रिड और दूसरा है ईवी, तो आप किस पर फोकस आप लोग कर रहे हैं एज ए महिंद्रा एंड महिंद्रा? हमारी फोकस ईवी पे है जी, हम लोग की बिलीफ सिस्टम ये है, और हम लोग जो गवर्नमेंट की इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन या प्रायोरिटी का कहना चाहेंगे हैज़ बीन कि हम लोग नेशन को ईवी पेनिट्रेशन नेशन का कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें नेशनल इंटरेस्ट में बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारी कमिटमेंट उस पर है, गवर्नमेंट ने PLI स्कीम अनाउंस किया है ईवी के लिए, और हम लोग की पूरी ईवी के लिए तैयारी है, और हम लोग नेक्स्ट ईयर नए ईवी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, और उससे आई एम श्योर मार्केट में बहुत ही अच्छा मोमेंटम आएगा। सर जो फेम 3 आने वाला है, सबको मतलब उम्मीद है कि वो इस पर भी हो सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? फेम 3 हम लोग उस 4-व्हीलर्स में यानी पैसेंजर व्हीकल्स में उस सेगमेंट में प्ले नहीं करते जी सर, हमारे प्रोडक्ट्स हम लोग एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग फ्लीट में बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे जो 3-व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसका रेलेवेंस है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बट अभी तो जो करंट स्कीम थी वो चल रही है, तो फेम 3 जब आएगी तो देखेंगे। सर वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल काफ़ी कंट्री में चल रहा है, ऐसे में क्या महिंद्रा महिंद्रा का एक्सपोर्ट कुछ क्या प्रभावित हुआ है या फिर आप लोग का ठीक चल रहा है? वर्ल्ड में तो जियोपॉलिटिकल इश्यू चलते रहेंगे, लेकिन हमारे जैसे हम लोग ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में मोमेंटम बहुत है, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है, तो लेकिन अभी जैसे नेबरिंग कंट्रीज में थोड़ा स्ट्रेस है, तो ऊपर नीचे चलते रहेगा, बट हमारी उम्मीद यह है कि हम लोग हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते रहें ऑटो बिजनेस में। ओके, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, महिंद्रा ने इस स्पेस को बहुत अच्छे से रीइन्वेंट किया है। अच्छा हर्षिता, मैंने वीरू को बोला कि यार आपकी जो नई स्कॉर्पियो है एक बार जरा मैं उसकी राइड करके आता हूँ, तो मैं और वीरू गए थे आज, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको गाड़ी चलाने का मज़ा आता है, क्योंकि वो रोड उस तरीके से हैं, और मैं वीरू की कार लेके निकल गया, वीरू को शायद थोड़ा दुख दुख हो रहा होगा जिस स्पीड पे मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो अनुज तेज गाड़ी चलाते हैं, अनुज तेज गाड़ी चलाते हैं, मैं नहीं चलाता, वो गाड़ी ऐसी है कि वो अपने आप एक्सेलरेटर पे पाँव उसमें दब जाता है आपका, और बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शानदार गाड़ी थी। मैं एक प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाड़ी का, लेकिन वाकई में गाड़ी बहुत शानदार थी, एंड आई एम श्योर कि ये जो इंजन पर काम किया ना महिंद्रा ने, मतलब 2012 की वो XUV 500 और 2000 मेरे ख्याल से 21-20 की XUV 700 और स्कॉर्पियो, इनके इंजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, मेरे ख्याल से आपने एक्सेलरेटर पर पाँव रखा होगा जब आपको महसूस होगा। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल वो जो स्टेयरिंग था ना उसका, मतलब लिटरली एक फिंगर से आप उस स्टेयरिंग को घुमा सकते थे। प्राइस बता रहा आपको ये स्टॉक प्राइस आपको यही बता रहा है जो महिंद्रा महिंद्रा ने किया है। आई थिंक एक लार्ज कैप स्टॉक 1.5 साल में डबल हो गया है, वो जो 2012 का आप लेवल बोल रहे हैं वहाँ से, तो अगर आप देखेंगे मैडम तब 400-500 रुपये हुआ करता था मैडम का भाव, वहाँ से 7 गुना हो गया, तो वो क्लियरली उस तरीके की जो री रेटिंग है वो दिख रही है स्टॉक बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा M&M जिस तरीके से आज चला है, एक बार इस पर भी यू लेते हैं, क्योंकि इसमें बीच में आई थिंक एक टॉपिंग आउट संकेत आ रहा था 2900 से 3000 के आसपास। मानस, अब टेक्निकली जो ट्रिगर मिला है इसको,
एटलीस्ट 3 महीने के लिए, क्योंकि अब थार रॉक्स की जो है वो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से दशहरे के आसपास डिलीवरी शुरू हो जाएगी, हमें एक ट्रिगर मिला है कुछ महीनों के लिए। अगर ये 28-30, 28-50 के ऊपर सेटल हो गया तो क्या ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी एमएनएम के लिए? देखिए, मेरा समझना ये है कि जो पिछला हाई है, हाई का जो रेंज है जो 29-35 से लेकर 3000, इस रेंज को वापस चैलेंज करने की कोशिश करेगा स्टॉक, और अगर एक बार ये 3000 के ऊपर निकला तब तो नए मूव में आपको शायद 3250 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए, पोजिशन ट्रेड लीजिए, 2700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन ट्रेड लीजिए। सबसे पहले 3000 पे देखेंगे स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, अगर 3000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया तब तो आपको 200-250 पॉइंट की तेजी उसके ऊपर एमएनएम में देखने को आराम से मिल जाएगी। ओके, चलिए अब आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं, उसके बाद कविता जी जुड़ी हैं, उनसे ट्रेड लेके 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मानस आपके पास आएंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सतपुते के पास चलेंगे, अमित सेठ तैयार हैं चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए अम्बरीश बलीगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कविता जैन भी जुड़ गई हैं, एक बार उनकी ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद शुरुआत करेंगे इस सीक्वेंस की। कविता जी, गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड है आज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। 350 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने, 12,350 के ऊपर दिया है, मुझे लगता है रैली 12,600-12,650 तक अपसाइड मूव देना चाहिए। 12-75 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और अगर आप इसे कॉल के रूट से पोजिशन लेना चाहते हैं तो 12,400 का कॉल आप बाय करें, 303 के लेवल पर है। फॉर द टारगेट ऑफ 350-400 के प्राइस टारगेट के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 270 का, एंड एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। तो ये डिक्सन पर एक ट्रेड इस समय आपके लिए साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत कर ही लेते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल से लेंगे, एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते हैं, अमित सेठ के पास मैं आऊंगी चार्ट का चमत्कार के लिए। तो मानस, सीधे मैं आपके पास ही आ रही हूँ, सस्ता ऑप्शन इस समय का? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए आज वही स्टॉक पिक कर रहा हूँ जो मॉर्निंग में सबसे पहला रिकमेंडेशन था। तो टेक महिंद्रा में मैंने मॉर्निंग में एक रिकमेंडेशन दिया था जहाँ 1565 के टारगेट मेंशन किए थे, वो अचीव हो चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक ने अपना पिछला स्विंग हाई को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है, मेरे ख्याल से यहाँ से भी करीब करीब 100-125 रुपए की तेजी आपको टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकती है। तो टेक महिंद्रा का एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे, 1580 वाला, 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 27 पे यहाँ पर खरीदारी करिए, 14 रुपीज 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और इस 1580 के कॉल ऑप्शन में आप 50 रुपए तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ट्वीट आपका टेक महिंद्रा। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास, एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जो मुझे लगता है कि बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, दैट इज टाटा मोटर, और ये कंसोलिडेशन के बाद आया है तो ऑब्वियसली यहां पे फॉलो थ्रू मिलेगा, तो अगर किसी को लेके जाना है तो भी लेके जा सकता है। तो टाटा मोटर इज अ बाय, मेरा स्टॉप लॉस होगा 1075 का, और मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कम से कम 1135-1140 होगा, तो एक बड़ा अपसाइड मुझे लगता है टाटा मोटर में निकलेगा। तो यस, टाटा मोटर लुक्स गुड टू मी। ओके, टाटा मोटर्स यहाँ पे आप पिक कर रहे हैं, टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ। अमित सेठ जी के पास चलते हैं आज के चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? विरन जी, मैं मिडकैप आईटी में कोफोज के साथ जाना चाहूंगा। कोफोज एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया से एक पुलबैक जनरेट कर रहा है, आज पहला दिन है फॉलिंग चैनल का, ब्रेकआउट का स्टॉक आज फर्स्ट टाइम एक कंसोलिडेशन, 5-7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अपने 10 EMA के ऊपर निकला है, और यहाँ अच्छी क्षमता रखता है कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी टच करे, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5950 एंड टारगेट ऑफ 6250। और अब चलते हैं अमरीश के पास। अमरीश, आपका मिड कैप फंडा। अनुज, मिड कैप का जो स्टॉक है यूनिपार्ट्स इंडिया, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑफ हाईवे व्हीकल, जो यूज होता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट्री और माइनिंग में। बनाते हैं ये 3-point लिंकेज सिस्टम जिसको 3PL बोलते हैं, एंड प्रेसिजन मशीन पार्ट्स। करीब 5 plants हैं इनके इन इंडिया एंड US में एक है, और इनका जो मार्केट है वो मोस्टली ग्लोबल है क्योंकि 82% इनका रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट मार्केट से, और काफ़ी नए प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप किए हैं, सो लीडरशिप पोजीशन काफ़ी अच्छा है इनका, और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है विद अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप।
पर Q1 के जो अर्निंग्स थे थोड़े बहुत डिसअपॉइंट किए थे, इसीलिए हम लोगों ने करेक्शन देखा है। पर मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि द ग्रोथ गोइंग अहेड विल बी 15% CAGR और जो मार्जिन है वो भी बढ़ेंगे बाय 150 बेसिस पॉइंट्स। तो हेल्थी बैलेंस शीट है विद लो लेवरेज और यहाँ पे मेरा EPS का अनुमान है फॉर FY26 40 का, तो टारगेट यहाँ बनता है 600। ओके, तो यूनिपाथ्स वो एक स्टॉक जहाँ पर एक 600 की अपॉर्चुनिटी अमरीश ने आइडेंटिफाई की है। मैं आपके लिए फटाफट से रिकैप कर रही हूँ सारे ट्रेड। शुरुआत हमने सस्ता ऑप्शन में टेक महिंद्रा के कॉल के साथ की, 1580 का कॉल 2890 पर है, 50 तक जाने की क्षमता रखता है ये। राजेश सातपुते ने पिक किया है टाटा मोटर्स 1135 और 1140 के टारगेट के लिए, 1075 स्टॉप लॉस रहेगी। कोफोज पसंद है अमित को, 6250 का टारगेट और 5950 का स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं इस ट्रेड में। और अब यूनिपार्ट्स पर एक अपॉर्चुनिटी इस समय जो आपके लिए अम्बरीश ने आइडेंटिफाई की है। तो ये हैं वो फिलहाल ट्रेड्स जिनमें एक अच्छा खासा मौका दिख रहा है तेज़ी की तरफ। अम्बरीश, मैं आपसे एक क्विक कॉल ये टाटा स्टील और बाकी स्टील कंपनियों पर लेना चाहूँगी, स्पेशली ये जो वेंसडे को हमने ऑर्डर सुना था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सभी कंपनियाँ सभी राज्य दरअसल को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि रॉयल्टी वसूल सकते हैं, उस दिन गहरे क्रैक्स देखने को मिले। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट उसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ने लगा है। आप क्या कुछ कैलकुलेशन कर पाए हैं क्या कि कितना ओवरहैंग रह सकता है इसका इफेक्ट ऑल आने वाले समय में इन कंपनियों पर? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवरहैंग रहेगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था काफी महीनों से, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। तो जब न्यूज आया तो हम लोगों ने नीजक रिएक्शन देखा है, पर लाइक वी हैव सीन कंपनीज लाइक टाटा स्टील, इन्होंने काफी अच्छा एक प्रोविजन करके रखा है, सो आई डोंट थिंक इट विल बी एन इश्यू एज फार एज द बैलेंस शीट और पीएनएल इज कंसर्न्ड। केवल कैश फ्लो शायद ज्यादा हो सकता है बिकॉज दे मे हैव टू मेक द पेमेंट, पर यहाँ भी उन्होंने करीब 12 ईयर्स का टाइम दिया है, तो इवन आई डोंट थिंक दैट शुड बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज्यादा डाउन साइड है फॉर दीज कंपनीज, न्यूज तो डाइजेस्ट हो चुका है। तो आई थिंक एट दीज लेवल्स इवन अ कंपनी लाइक टाटा स्टील आई थिंक इट्स अ गुड बाय। एक पुलबैक ट्रेड देखने को मिला है आज। राजेश सातपुते, इन मेटल प्लेयर्स पर एक बार नजर डालेंगे आप, टाटा स्टील, JSW, इवन सो आपके NMDC जैसे प्लेयर्स? आई थिंक हर्षदा जी, अगर मुझे एक चुनना है तो डेफिनेटली थोड़ा सा काउंटर प्ले में सोचूंगा टाटा स्टील। टाटा स्टील क्यों? क्योंकि टाटा स्टील एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, 140-145 इसका एक्युमुलेशन जोन है। तो अगर मुझे कुछ लेके जाना है थोड़ा सा, तो आप कह सकते हैं कि रेट वाइज टाटा स्टील लुक्स बेटर टू बी। मेरे हिसाब से अगर आपको ट्रेड भी लेना है तो 160-162 तक का पुलबैक यहाँ पे ड्यू है। तो देखिए, टाटा स्टील अगर इस लेवल पे एंट्री करना है तो आपका स्टॉप लॉस होगा थोड़ा डीप 142 का, एंड यू कैन गो लॉन्ग इन टाटा स्टील। थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चलिए। इस बीच हमने अलग अलग पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं स्ट्रेंथ के। इस समय जहां पर जोर दिखने लगा है, अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब वो स्टॉक 2% ऊपर। ग्रासिम सुबह से ही एक आउट परफॉर्मर है, 3% तक के गेंस देखने को मिले हैं। अल्ट्राटेक में पिछले आधे घंटे में एक अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है, तो ये दो दिग्गज सीमेंट साइड पर। मिड कैप सीमेंट में भी कुछ मोमेंटम है तो स्क्रीन पर लेकर आइएगा जरूर। रुचित बताइए, कोई ट्रेड है ग्रासिम, अल्ट्राटेक, इवन सो आपके मिड कैप साइड पर? अच्छा, रुचित से संपर्क टूट गया है, तो अमित आप गौर करके बताइएगा। जी मैम, अगर ग्रासिम, बिटवीन ग्रासिम एंड अल्ट्राटेक अगर मेरे को चूज करना हो तो मैं ग्रासिम के साथ जाऊंगा, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। यहाँ पे एक अच्छा खासा पुलबैक जनरेट हो गया है वो वॉल्यूम्स, तो ग्रासिम में पोजीशन बनानी चाहिए। यहाँ से भी 2594 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 2550 का, टारगेट्स रहेंगे 2650 से 2700 तक। ओके, ग्रासिम, और एक 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 ट्रेड और ले लेता हूँ, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक बार आप लिखे आइए एक स्टॉक, चूँकि अब मूव अच्छा जनरेट कर रहा है और ये ब्रेकआउट अब एक पोजिशनल ट्रेड में तब्दील हो सकता है, और इस पर बात करते हैं प्रकाश सर से। प्रकाश सर, आज सुबह आई थिंक मैंने 509 पे मेंशन किया था बलरामपुर चीनी, फिर मैं हिचकिचाहट हुए, मैंने अवॉइड कर दिया, मैं कहा चलिए छोड़ते हैं, पर इट्स नाउ 520। सर आपका व्यू क्या है, क्योंकि इसने फिर रीगेन कर लिया कॉन्फिडेंस के साथ 520। डिलीवरी पे काम करना हो तो ये लग कैसा रहा है आपको इस वक्त बलरामपुर चीनी? इनफैक्ट डिलीवरी में ही काम करना चाहिए, क्योंकि 480 के आसपास बाय सिग्नल मिल रहा था लेकिन इसको हमने इग्नोर किया, और लगातार एक हम देख रहे हैं 7-8 दिन से एक बाय मोड पर है बलरामपुर चीनी। ट्रेड कर रहा है 518,
500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर 500 का स्टॉप लगाकर चले, 18 रुपए का स्टॉप है, मेरे ख्याल से 550 570 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस थोड़ा कम है। तीन महीने से करीब आपको मिला है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर रेसिस्टेंस कम है, बाय मोड पर है बलराम बुच्चीनी। बाय मोड पे 518 पे 520-521 एक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पॉइंट है। पर हाल चलिए अब थोड़ा सा विषय को तब्दील करते हैं, बलराम पुचीनी से हट के अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा रियल स्टेट की तरफ। दरअसल रियल स्टेट स्पेस में जो डेवलपर्स के लिए एक इशू रहा है, मतलब जो लैंड डील में डेवलपमेंट राइट्स पर जो विवादित 18% GST का जो मामला है वो सुलझ सकता है। और इस खबर पर ज़्यादा डिटेल के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त आलोक प्रदर्शी जुड़े हैं। और आलोक बताएंगे एग्जैक्टली ये जो GST वाला मुद्दा है, ये काफ़ी समय से रियल स्टेट डेवलपर्स के लिए एक इशू रहा है, सुलझने के चांसेस कितने हैं इसके? बिल्कुल, घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में जो बने बनाए घर या फ्लैट्स होते हैं वो सस्ते हो सकते हैं। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर एक जो मुद्दा है डेवलपमेंट राइट्स का, जिस पर 18% अभी GST लगती है, उस पर जल्द ही समाधान निकलने के आसार हैं। दरअसल जो रियल एस्टेट को लेकर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उसकी बैठक 22 अगस्त को होने वाली है, और डेवलपमेंट राइट्स जो लैंड की डील होती है उसमें जो डेवलपमेंट राइट्स होती है उस पर 18% GST लगती है, जिसे लेकर जितने भी डेवलपर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कीमत होती है अल्टीमेटली ये जो बायर्स होम बायर्स अल्टीमेट बायर्स होते हैं उनके खाते में जाती है, उनके ऊपर इसका बोझ पड़ता है। तो वो मांग कर रहे हैं कि इससे उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि अभी तक जो लैंड डील्स होती हैं उसमें कोई GST नहीं लगती, लेकिन जैसे ही ये डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर होते हैं ऐसे में 18% का एक्स्ट्रा GST बर्डन पड़ता है, और वो बर्डन अल्टीमेटली बायर्स पे आता है। लिहाजा अगर इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से कोई ऐसा समाधान निकलता है तो वो उसकी सिफारिश GST काउंसिल की जो 9 सितंबर को होने वाली बैठक है उसमें जाएगी, और उस पर फैसला हो सकता है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ पर जो डेवलपर्स हैं और ऑनर्स हैं लैंड ऑनर्स, उन्होंने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की भी अगली सुनवाई 9 सितंबर को होनी है। तो देखना होगा कि अगर ये पूरा मामला सुलझ जाता है तो इससे जो फ़ायदा होगा, पहले तो जो लैंड ऑनर्स और डेवलपर्स को होगा, और अगर उन्हें 18% GST से रिलीफ मिलती है थोड़ी बहुत, तो हो सकता है उसका फायदा जो फ्लैट बायर्स या घर खरीदने वालों को भी मिल सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये पॉसिबली अगर आप देखें रियल एस्टेट कंपनी को राहत मिल सकती है, जिसका अल्टीमेटली अगर आप देखें जो फायदा है वो खरीदारी को मिलेगा, खरीदारों को मिलेगा। आज अगर आप रियल एस्टेट पैक को देखें तो सबसे स्ट्रांग मूव देने वाला DLF है, और यकीन मानिए इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्लियरिटी ऑफ चार्ट्स शायद सबसे अगर आप देखें महत्वपूर्ण स्टॉक यही है आज। रुचित आपका टेक क्या है DLF पे, अगर ये कंजेशन जोन जो है 870 का, अच्छा मेरे ख्याल से भी रुचित नहीं है, अमित से बात करते हैं। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा 874, अगर इस क्लस्टर को पार कर जाए अमित तो क्या व्यू बन रहा है, आई मीन कहाँ तक का मूव देगा DLF उसके बाद? जी विरेन जी, आज का जो स्पेशली मूव है अगर हम देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स व्हिच हैव बीन जनरेटेड इन लास्ट 6-7 डेज, इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग 900 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है 900 तक ये जाने की क्षमता रखता है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 855 के आसपास। एक बार अगर 900 अगर क्लियर हो जाए क्लोजिंग डेली क्लोजिंग बेसिस में तो फिर वहां से एक बड़ा मूव अनफोल्ड हो सकता है, बट इनिशियली हम 900 के टारगेट्स के साथ वर्क करेंगे DLF पे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। आज सुबह सुबह हमने बात की थी कि एक मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। बात करेंगे हम मोतीलाल ओसवाल AMC के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 24,500 के ऊपर निफ्टी, 24,520, और आप देखते हैं क्या 3 PM मूव इसको ले जा सकता है थोड़ा और ऊपर। सेंसेक्स 80,325 पर, मिड कैप इंडेक्स अब 1100 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी में भी अच्छी रैली 1.5% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन 3:1 का। चलिए अब क्या है, करेक्शन खत्म हुई, क्या मार्केट्स में एक बड़ी गिरावट का खतरा टल गया है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ गए मोतीलाल ओसवाल AMC के MD एंड CEO प्रतीक अग्रवाल। प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप ये जो पिछले हफ्ते 10 दिन में एक छोटी सी करेक्शन हुई उसे, और क्या ये एक वापस एक तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाए?
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ प्रतीक जी, बिल्कुल पहुंच रही है। ओके, क्योंकि फ्रेम जरा फ्रीज हो गया है, पर सी देखिए, हमारा मानना है कि आज के दिन इस माहौल में, जबकि आपकी अर्निंग्स ग्रोथ 14-15% साल की निकल रही है, एक क्वार्टर में 4-5% वैल्यूएशन करेक्शन तो अर्निंग ग्रोथ से हो जाता है। ऐसे समय अगर 4-5% की आपको मार्केट में डिप मिल जाए किसी भी वजह से, तो टिपिकली दैट इज अ ग्रेट एंट्री पॉइंट। तो यू नो 4-5% की डिप अच्छी डिप होती है फॉर फ्रेश मनी टू कम इनटू द मार्केट। प्रतीक जी थोड़ी दिक्कत आ रही है, काम करते हैं आपको रिकनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका जैसा आपने बोला फ्रेम फ्रीज हो गया है, उसको जरा एक बार ठीक कर दें फिर अच्छे से बात करेंगे, हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, तो एक बार ज़रा उसको ठीक करके फिर वापस आते हैं। तब तक एक काम करते हैं, एक दो और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय मूव्स अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि हम इस समय हैं डे हाई पर और क्लियरली काफ़ी हद तक कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग बेचा। आज सुबह सुबह डीएलएफ पिक किया गया, शिल्पा जी ने पिक किया था उसको क्विक सिंगल्स में, और 6% ऊपर वो। उसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल में अच्छे मूव्स आए, हिंदुस्तान कॉपर में अच्छे मूव्स आए। आप देखिए टाइटन भी डे हाई की डायरेक्टरी में आगे खड़ा था, स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है। पॉलीकैब देखिए, पॉलीकैब में भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं वीरू इस समय, पॉलीकैब भी अच्छे मोमेंटम दिखाता हुआ, जेके सीमेंट काफ़ी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बता दीजिएगा, जैसे ही प्रतीक जी का फ्रेम वापस तैयार हो तो हम जाकर वापस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल एक टेक चेक लेते हैं, टेक महिंद्रा पर। आज सुबह ये मैंने बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट दोनों में लिया था, एक बार ज़रा इसका चार्ट लेकर आइए टेक महिंद्रा का। आप मानस इसका चार्ट देखिए आप ज़रा, 4% ऊपर स्टॉक, क्या रहेगा व्यू यहाँ पर? देखिए व्यू तो पॉजिटिव है, और इसीलिए अभी 1580 के कॉल ऑप्शन की बात की थी मैंने। और देखिए अब क्योंकि एक बड़ा फ्रेश ब्रेकआउट है, मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको 100-125 रुपए की तेजी में देखने को मिल सकती है। पोजिशनल ट्रेडर के तौर पे करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, 1540 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए, और अब आपको यहाँ पर 1700 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 1700 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अच्छा ये टाइटन में बात करें तो टाइटन प्रकाश है, जरा टाइटन को देखिएगा, मूव अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलता हुआ 34-38 ऑलमोस्ट सारे एवरेजेस के ऊपर। आपका टेक इस पर टाइटन पे कैसा? लेने लायक है, अब बीटीएसटी के तौर पर ले तो भी लेने लायक है। ट्रेड कर रहा है 3439 और ट्रेड स्टॉप होगा मेरे ख्याल से करीब 3416 का, ज्यादा नहीं है। टारगेट 3500 के नजर आते हैं टाइटन में, मोमेंटम तो है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में 3500 देखेंगे इसको टाइटन। तक का मूव आप टाइटन में देख सकते हैं। मीन वैल्यू शॉर्ट कवरिंग आती हुई, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, और अब करीब करीब 30 पॉइंट का मूव और जनरेट करता हुआ निफ्टी, अब नाउ 400 अंक ऊपर 24541। जो हम बात कर रहे थे ना वीरू कि 24600 आपको स्क्रीन पे शायद आज ही दिखा दे, वो मेरा कॉन्फिडेंस इसी 3 PM मूव को लेकर था, कि क्योंकि आजकल रोज एक्सपायरी हो रही है, सेंसेक्स में शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू होगी अगर, तो वो शायद ऑब्वियसली निफ्टी को भी कैरी करेगी। 24550 तो आ ही गया ऑलमोस्ट, हमने बात की थी कि 24600 आपको स्क्रीन पर आज ही देखने को मिल जाए, 24550 तो आ गया। खैर अब आगे देखते हैं। एनीवे प्रतीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रतीक जी सॉरी थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी फ्रेम में, आप अपना इंडेक्स पर व्यू दे रहे थे, सॉरी मार्केट पर एक करेक्शन पर व्यू दे रहे थे। हाँ, सो मेरा ये कहना था कि 4-5% की डिप ऐसे माहौल में अच्छी डिप है, जो मेन डिफरेंस है एक 2008 से 2021 के पीरियड के बीच में, उस समय अर्निंग ग्रोथ इंडेक्स की बहुत कम थी। अगर पूरे साल में आपको 4-5% की इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ मिले तो क्वार्टर में करीबन 1% की आती है, उसके मुकाबले अभी आपको अर्निंग ग्रोथ 14-15% की मिल रही है, तो एक क्वार्टर में 4-5% की वैल्यूएशन करेक्शन तो अर्निंग ग्रोथ से हो जाती है। तो ऐसे माहौल में जब अर्निंग मोमेंटम स्ट्रांग हो तो 4-5% की डिप इज अ गुड डिप तो कम इनटू द मार्केट, ऐसा हमारा मानना है। ओके प्रतीक, ये बात करते हैं कि करके स्पेस सेक्टर्स पे, और मेरे ख्याल से जून जुलाई की इस पूरी तेजी में 24 से लेकर 25 तक के सफर में
आईटी का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था। सर इस बार आईटी की अर्निंग्स लगी कैसी आपको, और आईटी के इस मूव के बाद अभी भी आईटी, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी को चेस करने लायक ये प्राइसेस हैं क्या, आपका व्यू उस वक्त आईटी पे? नहीं, आईटी को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। लार्ज कैप आईटी जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आई और शायद एक्सपेक्टेशन से बेहतर आई, पर अगर उसका आप क्वांटम देखोगे तो 10% के आसपास ही आई थी, वो इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ से कम आ रही है। हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो हमारे हाउस में अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप आईटी का बहुत कम परसेंटेज इन्वेस्टेड मिलेगा। हमारे यहाँ मिड और स्मॉल कैप आईटी जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ काफी डिफरेंट है, काफी ज्यादा है, वैसे नाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जैसा आपने बोला एक अच्छी रैली आ चुकी है, तो काफी बॉटम अप देख के ही नाम सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इट इज नो लॉन्गर की पूरी स्पेस अच्छा कर रही है। की प्रेफरेंस किस तरह के प्लेयर्स की तरफ रहेगी, यू नो टेक्नोलॉजी में भी, क्योंकि यूनिवर्स काफी बड़ी है, जैसे आपने खुद मेंशन किया प्रतीक जी, कुछ खास क्वालिटीज जिस पर आप लोग इस समय ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्या वो ऐसी कंपनियां हैं जो शायद आगे चलकर जनरेटिव एआई में बड़ी भूमिका निभाएंगी, क्योंकि बिग बॉय सबने कहा है कि वहां पर एक डील पाइपलाइन थोड़ी सी बिल्ड होने लगी है, या फिर कोर बिजनेस में ही ग्रोथ है तो वो भी वही काफी है? नहीं, सो टेक का अगर हम एक इंडेक्स में समावेश देखें तो करीबन 12-13% होता है। हमने यहां से पैसे निकाल के जैसे न्यू टेक जो प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं वहां पे गए हैं, या फिर अगर हम टेक सर्विसेज में रहे हैं तो जो ट्रैवल टूरिज्म वाले वर्टिकल को केटर करती हैं ऐसी कंपनियां, या ऑटो वर्टिकल को केटर करती हैं, तो जो स्मॉल एंड मिड साइज टेक सर्विसेज कंपनियां हैं वो उनका एक बड़ा पार्ट ऑफ टोटल बिजनेस अगर ऐसे नैरो वर्टिकल से आता है जहां से जहां पे ग्रोथ अच्छी है, तो प्रायः इन कंपनियों की भी ग्रोथ अच्छी आएगी। मेजर प्रॉब्लम जो है वो बीएफएसआई स्पेस में है, बीएफएसआई में ग्रोथ कम आ रही है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं जहां पे एक बड़ा पार्ट 30%+ यूजुअली बीएफएसआई से आता है, वहां पे थोड़ी सी मायूसी है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली इसी पर आ रहा था कि क्या यहां पे जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स हैं जो मार्केट का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, क्या वहां से अब क्योंकि ये स्पेस इतनी ओवरओन्ड और ओवरवेट है, क्या यहां पे अब सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन का भी रिस्क है? अब तक हमने टाइम वाइज करेक्शन देखा है इन स्टॉक्स में, कुछ ही स्टॉक्स हैं जहां पर प्राइस करेक्शन आया है, क्या प्राइस करेक्शन का भी रिस्क है यहां पर अब? अब ये अल्टीमेटली करेक्शन होना चाहिए, वो प्राइस का रूप ले या टाइम का रूप ले वक्त बताएगा, पर जो आने वाला समय है उसमें अगर आप ये उम्मीद करते हो कि सेंट्रल बैंकर रेट कट करेगा, तो जो निम पे प्रेशर अभी कुछ हद तक दिखा है, अभी तक जो प्रेशर दिखा है वो डिपॉजिट रेट ऊपर जाने की वजह से दिखा है, आगे शायद लेंडिंग रेट नीचे आने की वजह से भी दिखेगा। इसके साथ जो आपके रिस्क कंट्रोल्स हैं वो रेगुलेटर टाइटन कर रहा है, तो जो आपको कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी है वो शायद बढ़ जाएगी, विच इज अगेन अ हेडविंड फॉर द लेंडिंग स्पेस ओवरऑल ही। तो मतलब बहुत समय इनका अच्छा गुजरा, अब शायद थोड़ी सी करेक्शन वाली फेज है, हमको लगता है ये और 5-6 महीने तो जारी रहेगी। ओके अच्छा प्रतीक जी, अब आते हैं कैसे स्पेस पे जो कि आज तो काफ़ी न्यूज़ में भी है, मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ, था रॉक्स का लॉन्च, लेकिन आप पूरे सेक्टर में बात करेंगे। एक अच्छे अर्निंग सीजन के बाद थोड़ी सी जुलाई की सेल्स फिगर थोड़ी कमज़ोर नज़र आई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको लेकर स्ट्रीट आज बात कर रही है, मतलब जुलाई के बाद जो डिस्काउंट्स थे वो अगस्त में सब्सटेंशली हाई हैं, आपको ये स्पेशली जो गोइंग क्वार्टर है वो लग कैसा रहा है, इस बार के नंबर्स कैसे रहेंगे, और ऑटो में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट या फिर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट या फिर टू व्हीलर, तीनों स्पेस में से आपका स्ट्रॉन्ग व्यू कहाँ पर है इस वक्त? इस क्वार्टर में चूंकि बारिश भी ज्यादा हुई है तो
क्वार्टर वाइज YOY आपको जो पहले की ट्रेंड है उससे तो मायूसी देखने को मिलेगी, प्लस आप बता रहे हो जैसे डिस्काउंट बढ़ गए तो उससे भी इम्पैक्ट आना चाहिए, तो वो तो क्वार्टरली की बात हो गई। पर ओवरऑल भी जो एक पेंटअप डिमांड थी जिसकी वजह से एक पीरियड में अच्छी ग्रोथ निकल के आई, वो शायद अब पीछे हो गई है। आगे जो 7-8% की कैगर ग्रोथ निकल के आई है लंबे समय में, शायद वही हासिल हो। यहाँ पे स्टोरी जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड वाली नहीं रह गई है, ऑटो में जो स्टोरी है वो मार्जिन्स की है। अगर आप टू व्हीलर देखें, अगर आप पैसेंजर कार देखें, हर जगह आप देखोगे कि पर पैसेंजर पर व्हीकल जो मुनाफा कंपनियां कमा रही हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया है। तो उसको ट्रैक करना है, जहाँ पे आपको लगता है ये बढ़ोतरी चलती रहेगी वहाँ पे इट कैन बी अ गुड स्पेस। हम जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, आइस इंजन डोमिनेंटली आइस इंजन वाली जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पे हम नहीं हैं। हम जहाँ पे इलेक्ट्रिक कैन बी अ लार्ज पार्ट, वहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा है, क्योंकि अदरवाइज आप आज के दिन देखें तो बाजार आइस बिजनेस का भी वैल्यू दे रहा है एज इफ इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, और ईवी का वैल्यू उसके ऊपर ऐड कर देता है एज अ लार्ज ऑप्शन वैल्यू, क्योंकि सबको पता है मार्केट वहां जाएगी। और हो ये रहा है कि दोनों की जो जो कंपनी की वैल्यूएशन आपको मार्केट में दिख रही है वो दोनों की एडिशन दिख रही है, जबकि 8-10 साल के बाद एटलीस्ट टू व्हीलर स्पेस में तो दोनों में से एक ही स्पेस रह जाने वाली है, या तो आइस रहेगी या ईवी रहेगी, हमारी बेट है कि ईवी रहेगी। मैं अज्यूम कर रही हूं प्रतीक जी, आपने ओला इलेक्ट्रिक के इफ नॉट प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ पैसे लगाए हैं? नहीं अभी तक तो नहीं। पर उसको कंसिडर करेंगे कि जिस तरह की वैल्यूएशन पर ये कंपनी आई है और जो पीयर सेट इस समय कमांड कर रहा है? नहीं, सो जो हमारी थीम्स हैं, जो हमारी सोच है उसके तो ये बिल्कुल अनुरूप उतरती है। वैल्यूएशन और लॉसेस, वैल्यूएशन एक कंसर्न है, लॉसेस अगर हमें घटते हुए दिखें तो हम जरूर देखेंगे इसकी तरफ। मैं आपसे एक और सेक्टर पर आपकी राय लेना चाहूंगी, कंजम्पशन। और कंजम्पशन एक बहुत बड़ी थीम भारत में है, यहाँ पर आपकी ट्रेंड जैसी कंपनियां भी जोड़ लेते हैं, फिर प्योर प्ले FMCG प्लेयर्स भी हैं। इस यूनिवर्स को इस समय बेस्ट कैसे प्ले किया जाए? नहीं तो यहाँ पे एक तो है मूव टुवर्ड लग्जरी, तो आप देखोगे कि जो भी लग्जरी एंड को कैटर करती है वहां पे ग्रोथ लगातार बनी हुई है, तो चाहे आप ज्वेलरी कंपनीज देखें वो एक सेगमेंट है। दूसरा अगर आप देखो तो एक बड़ी थीम जो है वो है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, तो जो कंपनियां 500-600 रुपए पर यूनिट पर पीस के कपड़े बेचती हैं वहां पे जो पढ़ के मार्केट होते हैं वहां से काफ़ी बड़ी मूव दिखने को मिलती है, और वहां पे ग्रोथ अच्छी निकल के आ रही है। सो दीज आर दी टू थिंग्स। जो बाकी कंपनियां बीच में कहीं हैं वहां पे कंफ्यूज से नंबर आ रहे हैं, इन दो स्पेसेस में नंबर अच्छे आ रहे हैं और अपना फोकस वहीं है। आपने न्यू एज कंपनीज की बात की थी, मुझे पता है कि शायद जोमैटो में तो खैर एक वेल पब्लिसाइज्ड इन्वेस्टमेंट रही है मोतीलाल ओसवाल की, उसके अलावा भी क्या बाकी स्टॉक्स में भी अभी भी जगह है, और क्या ये स्पेस वापस अब वही माइंड स्पेस कमांड करेगी जो जब इनिशियली लिस्टिंग के टाइम पे इन स्टॉक्स ने कमांड की थी? जो प्लेटफॉर्म कंपनीज की आप बातें कर रहे हो, न्यूटेक की? बिल्कुल नहीं। सो इसमें हर कंपनी का अपना एक रोड मैप है, और अगर आप एक एक्सीक्यूशन अच्छे से कर पाते हो तो एक और रास्ता खुल जाता है। तो अगर आप इस तरीके से सोचें कि पहले अमेजोन फ्लिपकार्ट टाइप की कंपनियां आई थी, उन्होंने सुपरमार्केट बनाया और फिर अपना माल ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक लॉजिस्टिक कंपनी भी शुरू की। ओके, कुछ कंपनियां हैं जो उल्टा जा रही हैं, दे स्टार्टेड एज नैरो लॉजिस्टिक कंपनीज, अब वहां पे सक्सेस हुई तो उसको ब्रॉडन कर रही हैं, और धीरे धीरे शायद ओवर टाइम सुपरमार्केट बन जाए।
तो ये एक स्पेस हो गई। दूसरा, अगर आप फिनेंशियल स्पेस में भी देखो तो कुछ लोग हैं जो जिनका कोर धंधा शायद ब्रोकिंग हो, पर उसके थ्रू आप क्लाइंट ले आए अपनी वेबसाइट पे। एक बार क्लाइंट आ गए तो शायद आने वाले पीरियड में आप लोन भी बेचोगे, आप इंश्योरेंस भी बेचोगे। तो इंश्योरेंस वाला भी कुछ ऐसे ही करेगा, जो पैसे जला के क्लाइंट लाए, जैसे कि पेमेंट एग्रीगेटर्स, उनके यहाँ एक बारी आपके पास क्लाइंट आ गए जो रोज आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, जो आपके ऐप पे आ रहे हैं, फिर आपके पास क्रॉस सेल करने की जगह बन जाती है। और ये जो सारी ऑप्शनैलिटीज हैं, ये आपको वैल्यू क्रिएट करती हैं डीपर इनटू द फ्यूचर। सो इस स्पेस में एक्सीक्यूशन इज सुपर इम्पोर्टेंट। मतलब आप रास्ते अलग अलग पकड़ सकते हो, मंजिल एक ही है, तो कौन ज्यादा अच्छा एक्सीक्यूट कर पाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतीक जी, और बात करने के लिए हमसे, थैंक यू सो मच। चलिए अब मंडे की तैयारी करेंगे, पहले BTST कॉल्स लेते हैं। बाबा सर, क्या कैरी करें मंडे के लिए? मुझे लगता है विप्रो अच्छा है टेक्नोलॉजी पैक से, 516 पर ट्रेड कर रहा है, 510 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो 530 पॉसिबल है विप्रो। ओके, आईटी की स्ट्रेंथ और आईटी को ही कैरी करते हुए प्रकाश सर, मानस आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? जी, तो देखिए REC PFC दोनों स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से REC में एक ट्रेड लेना चाहिए, लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए। 569 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 600 रुपए के टारगेट पॉसिबल है REC में। REC में एक बाय साइड का ट्रेड। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू ले रहा हूँ। रिलायंस एक अच्छे सपोर्ट से टर्न अराउंड कर रहा है, ऑल्दो थोड़े से मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस है, बट मुझे लगता है यहाँ 3000 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। 2925 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 3000-3025 के। ओके, रिलायंस पर बात हुई है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आएगा, कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो एक अपनी तरफ से भी एक निजी राय जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका ओनरशिप रिलायंस के पास है। कविता जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी मंडे के लिए? जी, सो गैस अथॉरिटी पर रहेगी, गेल पर, 232 के लेवल पर है, फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 238-240 गेल को आप एक BTST लेकर जा सकते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 230 का। ओके, गेल कैरी करेंगे और मूव गेल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये ऑलमोस्ट इस वक्त ये है कि जैसे कि हम बात करते हैं ना शुरू में कि पूरा जो सरकारी कंपनी का स्पेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दे हाइपेडाइटर साहब, जरा OI की शेयर जरूर रखिएगा नीचे जब जब स्टॉक्स मार्क हो तो। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, मैं थोड़ा देख रहा था कि कहाँ एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आई थिंक ABB एंड Siemens बोथ आर लुकिंग गुड टू मी। प्रोबेबली आज नहीं चले तो अगले हफ्ते चलेंगे। तो अगर मुझे एक लेके जाना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन ABB, 7930 ये फ्यूचर प्राइस है, तो लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 7850। मेरे हिसाब से जो प्रोजेक्शन दिखता है नेक्स्ट टारगेट वो कम से कम 8100 का होगा, 8100 से लेके 8200, तो बड़ा मूव मुझे लगता है ड्यू है ABB में। ओके, ABB में एक बड़ा मूव ड्यू है। अनुज, अब आते हैं रणनीति, स्ट्रॉन्ग क्लोज 24550-600 के बजाय कम से कम ये तो मिलेगा, क्या व्यू रहेगा, कैरी करें लॉन्ग क्या कन्विक्शन के साथ? कैरी करें, बिल्कुल कैरी करें वीरू, और मार्केट में करेक्शन खत्म हुई। देखिए अब मैं एक व्यू लेकर चल रहा हूँ, मार्केट में करेक्शन खत्म हुई, 8 अगस्त को मैंने पहली बार ये व्यू लिया था कि हम इसी महीने ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, वो व्यू मैंने कंसिस्टेंटली मेंटेन रखा और मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ उसको। इस मार्केट ने अब अगर ये सब ठीक हुआ तो एक चांसेस हैं, आपने एक डबल बॉटम बनाया और मार्केट अब तैयार है ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए। आज का लो 24204, अब ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, 300 पॉइंट दूर है यहाँ से मानता हूँ, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। मुझे लग रहा है इस सीरीज में 24800 अगले हफ्ते और 25200 ऑल टाइम हाई एक्सपायरी वीक में समीकरण बैठ रहे हैं इस तरीके से मार्केट लगाएगा, और आगे इसको शायद लीड करे बैंक निफ्टी। देखिए IT में तो खैर हम बुलिश रहे ही हैं, लेकिन बैंक निफ्टी जो है अब वो इस लेवल पर है जो एक साइन दे रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी दिखा सकता है, और कुछ नहीं तो एक 20 डे का टेस्ट ही हो जाए, 51200 पर है वो लेवल करीब करीब, तो और 700 पॉइंट यहाँ से पॉसिबल है, और अगर 51200 निकाल दिया तो और बड़ी शॉर्ट कवरिंग मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में। देखिए इन सब के बीच में एक चीज़ ध्यान रखिए,
कल को कोई न्यूज आ गई कुछ इससे रिलेटेड हिंडनबर्ग मामले से रिलेटेड, उससे कुछ इम्पैक्ट आ गया, वो रिस्क एलिमेंट रहेगा, लेकिन स्क्रीन आपको बता रही है कि मार्केट उस रिस्क एलिमेंट को प्राइसिंग करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और स्क्रीन आपको ये बता रही है कि बैंक निफ्टी ने 100 डेमा पे एक स्ट्रांग बॉटम बनाया और निफ्टी ने करीब 50 डेमा पर एक स्ट्रांग बॉटम बनाया, और आज 20 डेमा को जिस तरीके से हमने रिक्लेम किया है। अच्छा, और कुछ नहीं, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपको 24,200 का भी स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, आप 20 डेमा का स्टॉप लगा लीजिए जो 24,350 का, जो आज ब्रेकआउट पॉइंट, जो आज का ब्रेकआउट पॉइंट था उसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और आज के ट्रेड ने आपको 20 डेमा की सिग्निफिकेंस समझाइए। पहले एकदम से वहाँ होल्ड हुआ, लोअर लेवल पर आए, लेकिन एक बार जब नीचे से आपने उसको क्रॉस किया उसके बाद आपने 200 पॉइंट ऐड कर दिए इंट्राडे में, ये सिग्निफिकेंस है 20 डेमा की। और स्ट्रॉन्ग पॉकेट अभी भी कन्विक्शन वाली आईटी में, तो अगर आप बने हुए तो बने रहें, आईटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आईटी में इतनी स्ट्रॉन्ग करेक्शन आई वो यूएस मार्केट में जब वो एक मामला बना था कि रिसेशन का जो रिस्क आ रहा था वो मुझे ओवरब्लोन लग रहा था। खैर एनीवे, आईटी में बहुत बड़ा पैसा बनाया जिन लोगों ने कन्विक्शन के साथ बने रहे, उस दिन से अगर आप बने रहे तो बड़ा पैसा बनाया। आज भी सुबह खैर व्यू पॉजिटिव ही था, लेकिन अच्छा इन लेवल पर फ्रेश एंट्री में थोड़ा डर लगता है, अगर आप बने हुए हैं तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बने हुए हैं तो बने रहिए और कन्विक्शन के साथ। और मेरे ख्याल से बाजार ने उस क्लैरिटी के लिए थोड़ा इंतजार भी किया है ना, नो डाउट, बुधवार को तो वेट किया था बाजार ने, बुधवार को, मंगलवार को, इवन सोमवार के सेकेंड हाफ में, तो हम कैरी करते हुए लॉन्ग मंडे मॉर्निंग के लिए, और जहां तक के सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस की बात है इट्स कम्प्लीटली आई थिंक आईटी। एक बार ब्रेथ दिखा दीजिए, उसके बाद क्योंकि हर्षदा के पास चलेंगे, खिलाड़ी नंबर वन के जो आज के विनर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो ब्रेथ है वो दिखाइए एक बार जरा प्लीज़, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। मेरे ख्याल से आज शॉर्ट कवरिंग की जो डिजिट होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, वाइल्ड होगी। ये देखिए शॉर्ट कवरिंग है ना 112 बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स और आईटी में भी, जैसे ही आज सुबह एम्फेसिस और बिरला सॉफ्ट टॉप गेनर्स थे वो सेंस मिल गया था कि आज शॉर्ट कवरिंग का दिन है। एम्फेसिस, M6, IEX, ग्लेनमार्क और बलरामपुर चीनी में शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी खासी थी। सेकंड स्लाइड में आप आएंगे शॉर्ट कवरिंग में पिरामल एंटरप्राइजेस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, DLF, बिरला सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, इनमें काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी। और जो अगली स्लाइड आएगी जिसमें शॉर्ट बिल्डर था उसमें मैक्स, वोल्टास, इपका, SRF, नालको, और एक और स्लाइड जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग की फिगर्स आएंगी उसमें शामिल है आपकी स्क्रीन पे वो डिजिट्स आएंगी, दैट्स आई थिंक अरविंदो फार्मा, PNB, दिवीज लैब, ग्रेनवेल्स और ONGC। हर्षदा, तो इस बीच एक दो अपडेट्स मैं बैन की तरफ से लेना चाहूंगी। कुछ स्टॉक्स बैन से बाहर निकल रहे हैं, आज जिस लिस्ट में कोई एंट्री नहीं होगी लकीली, कंसिडरिंग वो लिस्ट एकदम भारी भरकम होती जा रही थी, तो जहां पर पोजीशन थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है उसमें एक आईटी प्लेयर बिरला सॉफ्ट शामिल है, और साथ ही साथ AB कैपिटल जो दरअसल वायदे बैन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं सोमवार को जब हम लौटेंगे। इनफैक्ट एक दो और ट्रेड्स जाने से पहले मैं स्क्रीन पर रखना चाहूंगी, ITC स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और 503 पर आज का क्लोज आ रहा है विच इज रफली एट डेज हाई। कविता जी, ये ट्रेड क्या संकेत दे रहा है? आज तो मोमेंटम लोगों ने बनाया है लेकिन क्या अगले हफ्ते भी चलने की गुंजाइश है? या हर्षदा जी, सो एक बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ काउंटर ने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दिया है, सो फ्रॉम हियर मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट 520 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। वंस उस लेवल को निकालता है तो 530 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, सो पोजिशनिंग अगर है तो इसे लेकर जाना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 500 की पोजीशनिंग है तो कैरी करना चाहिए। ITC 503.60 पे मेरे ख्याल से बजट के अगले दिन के बाद का ये स्ट्रॉन्ग मूव, और मैं जो टाइटन का जिक्र कर रहा था ये एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। आखिरी में कुछ FMCG काउंटर्स में मूव अच्छे विजिबल हैं और उसमें मेरे ख्याल से एक ब्रिटानिया भी, जरा ब्रिटानिया लेके आएंगे प्लीज़। यस, ब्रिटानिया अपना लास्ट ग्राउंड रीगेन करता हुआ, मतलब लास्ट वीक इसने बहुत स्ट्रॉन्ग और इस वीक भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया 50 डेमा पे, उसके बाद रिवर्सल बड़े मीनिंगफुल पॉइंट से आया है। राजेश सतपुते जी एच पे बैठा है 20 डेमा क्रॉस करता हुआ। वीरेन जी देखिए, मेरी नजर थी ब्रिटानिया नेस्ले, मुझे लगता है दोनों बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन ब्रिटानिया में एक एज है, आपको चांस मिल रहा है, थोड़ा सा एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो 5735 के आसपास ये फ्यूचर में चल रहा है, इसे लेके जाइए। स्टॉप लॉस रखे आप करीबन 5700 का, एक छोटा स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट का मेंटेन करें, पर मेरे हिसाब से वीरेन जी इसका जो टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आर्ली चार्ट पे मुझे लगता है ये 5830 तक जाएगा, इनिशियली दिन 5900, तो नेस्ले चल रहा है तो उसके साथ ब्रिटानिया भी खींचेगा, तो यस ब्रिटानिया इज अ वाय।
टेनिया स्ट्रॉन्ग बाय है यहाँ पे एज पे बैठा हुआ। और जरा डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स रखिएगा और ज़रा इसको देखते हैं, क्योंकि आईटीसी भी चला, ब्रिटानिया भी चला, निफ्टी एफएमसीजी ये करीब करीब 62,280 पे मूव स्ट्रॉन्ग था और ये अपने करियर के नॉट एग्जैक्टली बेस्ट, लेकिन फिर भी अगर आप देखें ठीक ठाक जोन में जाके क्लोज हो रहा है। और डायग्नोस्टिक स्पेस की बात जहाँ तक रही, मेट्रोपोलिस ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लिया। और जरा डॉक्टर लाल पैथलैब दिखाइए, 3.5% ऊपर एट 3295, ये क्लोज हुआ है हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पोस्ट सेकेंड वीक ऑफ 2022, मींस जो वो कोविड के दौरान एक सुपर स्विंग था, ये काउंटर्स बड़े मूव दे रहे थे। पहला ब्रेकडाउन आया था थर्ड वीक ऑफ जनवरी में, उसके बाद कोलैप्स हुआ, ये स्टॉक फर्स्ट टाइम कोलैप्स हुआ था करीब करीब 3400 के प्राइस से, उसके बाद इसका लो लगा था 1700 आधा, और आज 3300 की जोन को ऑलमोस्ट क्रैक करता हुआ, क्रॉस करता हुआ। तो डायग्नोस्टिक स्पेस में काफ़ी अच्छा खासा मूव रहा। और जो MCX है जिसका जिक्र हर्षदा ने किया था, 4629 पे करियर हाई, एंड सेम इज़ द केस विद आई थिंक डिपॉजिटरीज में अगर आप जाएं तो CDSL अपने करियर हाई पे आज क्लोज हुआ। तो बहुत सारी पॉकेट्स आज मिड कैप में एक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे थे। चलिए अब इस क्लोजिंग को, और हर्षदा से कहते हैं कि शुरुआत थोड़ी सी नरम हुई थी इस हफ्ते की, लेकिन आज़ादी के इस हफ्ते ने जाते जाते उस रेंज से आज़ादी दिला दी। अच्छा बीता शुक्रवार। जी हाँ वीरू, जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो एंड ही इस हफ्ते का बहुत ही जोरदार नोट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजारों ने आज पकड़ा, 400 पॉइंट ऊपर निफ्टी 50 जाकर बंद हो रहा है 24,500 के ऊपर। निफ्टी बैंक का योगदान जोरदार, करीब 800 पॉइंट इंट्राडे में मूव हमने दिखा दिया है, 1.5% की गेंस पर हम क्लोज करते हुए दिखाई देंगे। और आज सिर्फ निफ्टी निफ्टी बैंक ही नहीं, आप ब्रॉडर मार्केट देखिएगा, मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट की तेजी पर, आपका स्मॉल कैप इंडेक्स ने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए बहुत ही तगड़ी मार्केट ब्रेथ पर आज हम क्लोज कर रहे हैं। एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला सेक्टोरली। ऑफकोर्स आज का बड़ा विनर आपका IT पैक उभर कर आया, लगभग 3% तक के गेंस, जिसे आप कहें इंटरनेशनल मार्केट्स में जो तेजी नैसडैक एक्सेट्रा में हो रही है उसका इम्पैक्ट, या फिर घरेलू फ्रंट पर जो कंपनियां डिलीवर कर रही हैं उसका इम्पैक्ट, आइदर वेज तेजी बनी है और खूब बनी है। मेटल काउंटर्स में एक पुलबैक देखने को मिला है बुधवार के बाद, FMCG इस रैली का एक भरपूर हिस्सा बना है 1.5% के गेंस के साथ। कैपिटल गुड्स में 1300 पॉइंट तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। ऑटो कंपनियों में ऑफकोर्स हमने देखा है 2% तक के गेंस, फार्मा हो, रियल एस्टेट हो, इन सब ने दरअसल आज तेजी की तरफ अपनी पोजीशंस रखी हैं, ये सब भागीदार रहे हैं आज की इस बड़ी रैली के। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं वो हीट मैप आखिरी एक मिनट में कि कौन से स्टॉक्स लीडरशिप पोजीशन में थे तेजी में। आज बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ है कि सिर्फ चार आपको मंदी वाले ट्रेड्स दिखाई देंगे, एक बहुत बड़ा रिलीफ है इस मार्केट के लिए। और ये सारी वो डिफेंसिव कंपनियां हैं जो थोड़ी सी साइड में आ गई हैं, चाहे वो DVs हो, DRL हो, या फिर सनफार्मा हो और SBI लाइफ। और ऐसा नहीं कि गहरे कट्स थे, एट द मोस्ट 0.5% का ज्यादा प्रेशर, लेकिन विप्रो आज चमका है, बहुत तगड़ा मूव इसमें देखने को मिला, 515 पर क्लोज आ रहा है, 4% के गेंस हम देख रहे हैं टेक महिंद्रा की तरफ से। वहीं TCS आई थिंक एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है, मार्केट कैप में जोरदार उछाल आज के मूव के साथ। HCL, टेक, इन्फोसिस, ये सारे दिग्गज IT काउंटर्स हैं जिन्होंने तेजी को और फ्यूल किया है। मैं बात कर रही थी अल्ट्राटेक सीमेंट और साथ ही साथ ग्रासिम की, दोनों ही स्टॉक्स देखिए, एक 3.5% तो दूसरा 3% के गेंस पर। आज ऑटो कंपनियों का दिन साबित हुआ, M&M 3.5% के गेंस पर जाकर क्लोज हो रहा है, और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स को भी थोड़ा सा बूस्ट मिला है आज, 3.75% तक का इजाफा इधर। ITC, नेस्ले, आपका HUL जैसा काउंटर, ब्रिटानिया में भी कुछ अक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई दिया, तो FMCG की भागीदारी जरूर देखने को मिली है। एक अच्छी बात इस मार्केट में ये उभर कर आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान, HDFC बैंक का योगदान, ICICI बैंक का योगदान, और ये वो दिग्गज काउंटर्स हैं जिनका वेटेज अच्छा खासा है और उन्होंने इस मूव में दरअसल किया है पार्टिसिपेट। तो ऑन द बेल करीब 24,540 पर आज का ये क्लोज आता हुआ, एक मजबूत क्लोज है, लगभग 400 पॉइंट के गेंस पर आज मार्केट टिकता हुआ दिखाई दिया है, एक तगड़ी तेजी देखने को मिली है। इस वीक के आउट परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL, टेक जैसे काउंटर साबित होते हुए दिखाई दिए हैं, यहाँ पर एक अच्छा खासा थ्रस्ट जनरेट हुआ है। टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट लंबी है, इन्फी, TCS भी वीकली गेनर्स है, LTI, माइंड ट्री भी,
हालांकि लूजर्स में आप देख रहे हैं ये कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला। मैं तीन स्टॉक्स आपके सामने रखना चाह रही हूँ। एक तो ओला इलेक्ट्रिक, लिस्टिंग के बाद लगातार तेजी देखने को मिली है। आज वो काउंटर करीब 20% के अपर सर्किट पर। आप देखिएगा ब्रेन बीज यानी कि फर्स्ट क्राई लिस्टिंग इस हफ्ते हुई। थोड़ा सा वॉलेटाइल हफ्ता था लेकिन एक अच्छी क्लोज इस हफ्ते स्टॉक ने दिखाई है और साथ ही साथ यूनिकॉमर्स में भी हमने देखा है वो अच्छा खासा मोमेंटम। ब्रेन बीज आज करीब 4% ऊपर और यूनिकॉमर्स में भी हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम कायम है। तो ये इनफैक्ट वो कुछ स्टॉक्स थे जहां पर तेजी बनती हुई दिखाई दी। यूनिकॉमर्स बाय द एंड ऑफ द डे करीब 3% नीचे आया है लेकिन इस पूरे हफ्ते के लिहाज से स्मार्ट मूव्स इन स्टॉक्स में बने हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा मजबूत हफ्ता साबित हुआ है बीरो। और जाते आते जो है वो स्ट्रेंथ फिर लौटी। सीधे सौदा के नंबर्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। नीरज जी और आशीष की टीम में आज कॉम्बिनेशंस क्या थे और किन किन स्टॉक्स ने आज मूव अच्छा खासा दिया। इस क्रम में सबसे पहले नीरज जी की टीम को देखते हैं और ओला 20% और क्या स्ट्रॉन्ग मूव दिया। पॉलीप्लेक्स उसके बाद 8% ऊपर। मैक्स इंडिया 5% नीचे। पारस डिफेंस में करीब 5% का मूव रहा। और दूसरी टीम आएगी आशीष की, वहाँ देखते हैं अगर आप स्विंग्स को तो सुप्रजीत, हिंदुस्तान जिंक और मद्रास फर्टिलाइजर्स और ग्लेनमार्क फार्मा ने पिक किया। तो जैसे कि हर्षिता कह रही थी कि जिस हफ्ते का अंत खूबसूरत अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। चलिए हर्षिता और मुझे इजाज़त दीजिए और फिर मुलाकात होगी आपकी हर्षिता, नीरज जी, आशीष और अनुज से मंडे मॉर्निंग। मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे हूँ तो मुलाकात करूँगा अगले हफ्ते। हर्षिता बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते का मान संभालिएगा आप, है ना? Of course, फिर मुलाकात होगी आपसे। गुड हॉलीडे, एंजॉय कीजिए अपनी। थैंक्स वेरी मच। थैंक्स वेरी मच हर्षिता। चलिए मुलाकात होगी फिर से। नमस्कार।